नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ए एस फिफ्टीन के नोट्स भी मिल जाएंगे प्लस ए एस फिफ्टी का एक समरी वीडियो आई एल बी अपलोडिंग सेपरेटली ताकि आप एग्जाम टाइम में ए एस फिफ्टीन को बहुत जल्दी रिवाइज कर सको अब बात करते हैं पिछले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे हमने टाइप्स ऑफ इम्प्लॉय बेनिफिट्स देखे थे और हमने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अकाउंटिंग सीखी थी अब हम अपने डिस्कशन को आगे लेके जा रहे हैं और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्टार्ट कर रहे हैं अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स का मतलब है कि इम्प्लॉयमेंट कंप्लीट होने के बाद जो बेनिफिट दिया जाता है वो होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अब मान लो शांति ने सर्विसेज रेंडर की फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर के बीच में और अभी बीस साल की सर्विसेज उसकी और पड़ी है फिर वो हो जाएगी रिटायर अब रिटायरमेंट के टाइम पे हमने शांति को प्रॉमिस कर रखा है कि आपको एक लम सम अमाउंट देंगे दस लाख रुपए का या अगर हमने बोल रखा है कि रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली पेंशन देंगे टिल द दे डेट ऑफ योर डेथ ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं किसके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के कि तो एक लमसम अमाउंट दे दिया जब वो रिटायर हुई या आपने मंथली पेंशन प्रॉमिस कर दी आफ्टर रिटायरमेंट टिल द डेट ऑफ डेथ ये सारे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के एग्जाम्पल्स हैं यानी कि एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई उसके बाद बेनिफिट दिया जा रहा है वो है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अब इसकी अकाउंटिंग कैसे सीखते हैं हम में तो ए एस फिफ्टीन क्या बोलता है ये जो दस लाख रुपए आप दे रहे हो ना ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि सारा का सारा खर्चा लाइबिलिटी आपने यहाँ बुक किया और यहीं पे पेमेंट कर दी नहीं ये दस लाख रुपए दिया क्यों जा रहा है पहले तो ये समझो ये दस लाख रुपए इन इक्कीस सालों की सर्विसेज के लिए दिया जा रहा है शांति की इक्कीस सालों की सर्विसेज के लिए आप दे रहे हो ये दस लाख रुपए तो ये फिफ्टीन बोलता है ये दस लाख रुपए इक्कीस सालों में स्प्रेड करके बुक किया कर जाएगा ना कि आप यहाँ पे सारा का सारा खर्चा नहीं बुक कर सकते आपको इस दस लाख को इक्कीस सालों में स्प्रेड करना पड़ेगा

आप आज थर्टीन के हो आपके एन बर्थडे पे आपको बाइक मिलेगी तो पापा ने क्या किया आपके नाम पे गुल्लक में पैसे जोड़ने शुरू कर दिए जैसे ही आप अठारह के हुए पापा ने गुल्लक तोड़ी उसमें से पैसे निकाले पच्चीस लाख रुपए निकले तो पापा ने खटाक से जेब से दस लाख रुपए और डाले मार्केट गए बाइक खरीदी हाली डेविडसन और आपको बाइक की चाबी दे दी कि ये लो तुम्हारी बाइक जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था गिफ्ट वो मैं तुम्हें आज दे रहा हूं तुम्हारी हाली डेविडसन बाइक तुम आज अठारह के हुए ये लो बाइक

कि मैं तुम्हारे नाम पे पचास हजार रुपए गुल्लक में डालना शुरू कर रहा हूं हर महीने जैसे ही आप अठारह के हो गए गुल्लक तोड़ना और उसमें से पैसे निकाल लेना तो पापा ने एज प्रोमिस्ड पचास पचास हजार रुपए गुल्लक में डालने शुरू कर दिए जैसे ही आप अठारह के हुए आपने गुल्लक तोड़ी और उसमें से पैसे निकाले अब पैसे निकले मान लो पच्चीस लाख रुपए निकले या बीस लाख रुपए मान लो बीस लाख रुपए निकले गुल्लक में से आपने पापा को बोला पापा मुझे हार्ले डेविडसन बाइक लेनी है वो पैंतीस लाख की आती है तो पापा ने क्या बोला पापा ने बोला मेरी अब और कोई लाइबिलिटी नहीं है तुम्हारे टू मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया था मैंने वो कर दिया मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि पचास हजार आपके नाम पे मैं गुल्लक में डालूंगा वो पापा ने पूरा कर दिया तो पापा की अब कोई फर्दर लाइबिलिटी नहीं है अब उस गुल्लक में से चाहे बीस लाख निकले चाहे तीस लाख निकले चाहे चालीस लाख निकले वो सब आपका लक है अब आपके बीस लाख रुपए निकले है? आपको डेविडसन बाइक खरीदने तो आप अपनी जेब से पंद्रह लाख रुपए डालो और जाके बाइक खरीदो पापा और कुछ नहीं देने वाले ये होता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान यानी कि एम्प्लॉय डिफाइन कर देता है कि एम्प्लॉय के नाम पे वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एक फंड में और कंट्रीब्यूशन करने के बाद एम्प्लॉयर के सर से सारी लाइबिलिटी उतर जाती है अब एम्प्लॉयर के लिए कोई फर्दर लाइबिलिटी नहीं होती अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उस फंड में से कितना पैसा निकलता है वो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय का लक है कितना पैसा निकलेगा एम्प्लॉयर का कोई फर्दर लाइबिलिटी नहीं होता सो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान को हम बस थ्योरेटिकली पढ़ेंगे लास्ट में हम एक बार इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए रेलिवेंट है एमसीक्यू क्यू में मे भी आ सकता है पर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है

मैं आपको इतना पैसा दूंगा एम्प्लॉयर बॉस ने शांति को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा तो देना ही पड़ेगा ठीक है ना आगे चलो एग्जाम्पल नंबर वन रीड करते हैं आई हायर टाइम हाउस हेल्प शांति टूडे ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी तो हमारे गुस्से वाले बॉस ने शांति को हायर किया फर्स्ट अप्रैल थ्री को उसके बाद बोला शी विल वर्क फॉर थ्री इयर्स इन माय हाउस तो वो तीन साल काम करेगी और उसको तीन लाख रुपए दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स इसकी अकाउंटिंग बताओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हुए अभी बिल्कुल भूल जाओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है और एक बार बेसिक से चीज बेसिक से चीज़ें समझते हैं तो देखो क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है क्योंकि बेनिफिट डिफाइन कर दिया गया है कि रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा तो क्या मिलेगा जब वो इंप्लॉयमेंट छोड़ के जाएगी इंप्लॉयमेंट उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको क्या मिलेगा तीन लाख ,00 रुपए यानी कि बेनिफिट इज डिफाइंड सो इट्स अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान अब देखो यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन दिए हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे हो सकती है ऑप्शन नंबर वन बुक एंटायर एक्सपेंस एट द एंड ऑफ थ्री ईयर्स कि तीन साल के बाद पेमेंट होती है तो सारा का सारा खर्चा तीन साल बाद बुक करो या फिर ऑप्शन नंबर टू क्या है कि हर साल की सर्विसेज के लिए कुछ ना कुछ खर्चा लाइबिलिटी बुक करना है तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर वन में तो 15 अपनी चुड़ियां तोड़ लेगा नहीं कितनी बार बोला जब सर्विस तब एंट्री जब सर्विस तब एंट्री यानी कि आपने उससे पहला साल काम कराया दूसरा साल काम कराया तीसरा साल काम कराया पेमेंट भले ही तीसरे साल के एंड में हो रही है पर आप तीसरे साल के एंड में सारे का सारा खर्चा नहीं बुक कर सकते आपको कब बुक करना है आपको हर साल कुछ ना कुछ खर्चा लाइबिलिटी बुक करना है अब देखो आगे चलने से पहले ना एक बार टाइमलाइन सीख लेते हैं ये टाइमलाइन हम कैसे बनाते हैं तो जीरो का क्या मतलब होता है जीरो मतलब आज यानी कि बिगनिंग ऑफ ईयर वन जहां पे पहला साल स्टार्ट हो रहा है आपने शांति को फर्स्ट अप्रैल 23 को हायर किया तो जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है एक साल का गैप है टाइम पीरियड एंड वन क्या है ईयर मतलब वन का एंड भी कह सकते हैं इसको ईयर वन एंड लिख लेते हैं ईयर वन जहां खत्म हो रहा है ईयर वन कहा खत्म हो रहा है थर्टी मार्च ट्वेंटी को तो ये कौन सी डेट है ये थर्टी मार्च ट्वेंटी है इन दोनों के

कि तीन साल की सर्विसेज के लिए उसको तीन लाख रुपए देंगे यानी कि टोटल बेनिफिट सबसे पहले तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में यह आइडेंटिफाई करना होता है कि टोटल बेनिफिट कितना है हमने आइडेंटिफाई कर लिया तीन लाख फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं सर्विसेज के तीन साल की सर्विसेज हैं तो क्या करो तीन लाख को डिवाइड कर दो तीन से कितना आया एक लाख यानी कि हर साल की सर्विसेज के लिए आप उसको एक लाख रुपए दे रहे हो आप पेमेंट भले ही थर्ड ईयर के एंड में करोगे बट आप कितना पैसा हर साल की सर्विसेज के लिए उसको दे रहे हो एक लाख एक लाख एक लाख से तीन लाख रुपए दे रहे हो तो तीन लाख डिवाइड बाय तीन कितना होता है एक लाख यानी कि हर साल की सर्विस के लिए आप उसको एक लाख रुपया दे रहे हो यानी कि पहले साल की सर्विसेज के लिए एक लाख रुपया दे रहे हो दूसरे साल की सर्विसेज के लिए एक लाख रुपया दे रहे हो तीसरे साल की के लिए उसको एक लाख रुपया दे अब यहीं पे आगे चल के हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इंसर्ट करेंगे, बट अभी उसको भूल जाओ, अभी इग्नोर करो तो अभी तो अब देखो जब पहला साल खत्म होगा ना पहले साल के एंड पे मैं खड़ी हूं और यहाँ पे मुझे अकाउंटिंग करनी है तो बोलूंगी कि पहले साल की सर्विसेज के लिए मुझे कितना खर्चा बुक करना चाहिए खर्चा टू लाइबिलिटी वन लाख क्योंकि आपने उसको पहले साल की सर्विसेज के लिए एक लाख देना है तो पहले साल के एंड पे आ जाओ और वहां पे खर्चा टू लाइबिलिटी बुक कर लो एक लाख फिर जब दूसरा साल खत्म होगा ना अब उसने सेकंड ईयर की जो सर्विसेज रेंडर की है उसके लिए आप फिर से खर्चा और लाइबिलिटी बुक कर लो एक लाख रुपए का ठीक है ना सेकंड ईयर के एंड में आके आप बोलो मैं एक लाख रुपए का खर्चा लाइबिलिटी बुक कर रही हूँ ठीक है सेकेंड ईयर के एंड में हम पहुंचे हमने बोला सेकेंड ईयर की सर्विसेज के लिए एक लाख रुपए देना है तो एक लाख का खर्चा लाइबिलिटी बुक हो गया ऐसे ही सेम वे में जब हम थर्ड ईयर के एंड पे पहुंचे हमने बोला उसने थर्ड ईयर में सर्विसेज सर्विस किया है ईयर थ्री के सर्विसेज के बदले में हमने उसे एक लाख रुपया देना है तो ईयर थ्री के एंड पे आप खर्चा टू लाइबिलिटी बुक कर लो वन लाख रुपीज अब ईयर थ्री के एंड में उसकी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई है वन लाख प्लस वन लाख प्लस वन लाख तीन लाख की लाइबिलिटी अक्रू हो गई है तो आप तीन लाख की लाइबिलिटी की पेमेंट कर दो लाइबिलिटी टू बैंक थ्री लाख पेमेंट यहाँ पे हो रही है पर खर्चा लाइबिलिटी आपको थोड़ा थोड़ा हर साल बुक करना ठीक है पीएनएल देखो कैसा दिखेगा पीएनएल में आपने हर साल खर्चा बुक किया वन लाख वन लाख वन लाख तो पीएनएल ऐसा दिख रहा है बैलेंस शीट देखो कैसी दिख रही है आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी ईयर वन के स्टार्टिंग में थी जीरो क्योंकि ईयर वन की बिगनिंग में ही हमने शांति को हायर किया था वहां पे कोई लाइबिलिटी नहीं थी लाइबिलिटी हमने कहाँ क्रिएट की थी ईयर वन के एंड में एक लाख रुपए की तो पहले साल में कोई ओपनिंग लाइबिलिटी नहीं थी हमने एक लाख की लाइबिलिटी करंट ईयर में क्रिएट की तो क्लोजिंग लाइबिलिटी हमारी हो गई वन लाख अब यही वन लाख अगले साल की ओपनिंग लाइबिलिटी बनी वन लाख रुपीज उसमें फिर ईयर टू में आपने और लाइबिलिटी क्रिएट की वन लाख की तो क्लोजिंग लाइबिलिटी होगी दो लाख अब ये दो लाख अगले साल की ओपनिंग लाइबिलिटी बनी फिर आपने एक लाख की और लाइब्रिटी बुक की थर्ड ईयर में और फिर तीन लाख की आपकी क्लोजिंग अक्रू हो गई अब यहीं पे इस क्लोजिंग लाइबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी तीन लाख रुपए मैं फिर से रिपीट कर रही हूं अभी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बिल्कुल मान के नहीं चल रहे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कुछ होता है हम बोल रहे हैं तीन लाख रुपए तीन साल के एंड में देना है तो हर साल हमने खर्चा लाइब्रिटी बुक कर लिया अभी मैं बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ कि हम लाइबिलिटी कैसे बुक कर रहे हैं हर साल हम थोड़ी थोड़ी लाइबिलिटी बुक कर रहे हैं ये होता है पहला एस्पेक्ट डिफाइंड बेनिफिट प्लान के दो एस्पेक्ट होते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और प्लान एसेट्स डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का मतलब है हर साल कुछ ना कुछ खर्चा लाइबिलिटी बुक करके आप लाइबिलिटी कर रहे हो अपनी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो और प्लान एसेट्स ऑन दी अदर हैंड होता है कि उस पेमेंट को करने के लिए जो आपको तीन साल के एंड में तीन लाख रुपए देना है उसके लिए आप पैसा इकट्ठा करते हो फंड इकट्ठा करते हो तो हम सेविंग्स करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होता है प्लान एसेट्स का एस्पेक्ट जिसपे अब हम चल रहे हैं सो लेट्स सी एग्जाम्पल वन कंटिन्यूड इन ऑर्डर टू पे शांति थ्री लाख रुपीज थ्री लेटर हमने हर साल नब्बे की सेविंग करनी शुरू कर दी गुल्लक में तो जब शांति की पहले साल की सर्विसेज कंप्लीट हुई पहले साल के एंड में मैंने एंट्री पास की गुल्लक टू बैंक यानी कि मैंने अपना कैश निकाल के गुल्लक में डाल दिया नब्बे हजार रुपए फिर सेकेंड ईयर की जब सर्विसेज खत्म हुई सेकंड ईयर के एंड में मैंने फिर से नब्बे हजार की गुल्लक में पैसे डाल दिए और थर्ड ईयर के एंड में भी जब सर्विसेज खत्म हुई तो मैंने नब्बे हजार गुल्क में डाल दिए फिर थर्ड ईयर के एंड में अब पेमेंट डेट है तो मैंने गुल्लक तोड़ी और उसमें से दो लाख सत्तर हजार रुपए निकाल लिए बैंक टू पिगी बैंक दो लाख सत्तर हजार अब ये कौन सी नेचर का है पिगी बैंक कौन सी नेचर का है पिगी बैंक एसेट्स की नेचर का है तो अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में क्या होगा ईयर वन की स्टार्टिंग में तो कोई सेविंग्स नहीं थी फिर हमने नब्बे हजार की सेविंग्स की तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया नब्बे हजार ये अगले साल का ओपनिंग बना फिर नब्बे हजार की फिर से सेविंग की तो क्लोजिंग आ गया एक लाख अस्सी हजार फिर एक लाख अस्सी हजार ईयर थ्री का ओपनिंग बना उसमें नब्बे हजार की और सेविंग्स करी तो दो लाख सत्तर हजार का क्लोजिंग आ गया एंड में आप गुल्लक तोड़ के शांति को पेमेंट कर दोगे तो प्रेजेंटेशन कैसे होती है आप बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हो इस पूरे सिचुएशन को आपकी दो चीजें आ रही है एक साइड लाइबिलिटी आ रही है और एक साइड एसेट आ रहा है वो जो गुल्लक में आप सेविंग्स कर रहे हो वो एसेट आ रहा है और एक साइड आप लाइबिलिटी दिखा रहे हो तो क्या हम लाइबिलिटी और एसेट्स को ऐसे अलग अलग दिखाएंगे नहीं हम ऐसे अलग अलग नहीं दिखाएंगे हम इनको सेट ऑफ करके दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे हम लाइबिलिटी और एसेट्स को सेट ऑफ कर देंगे हम बोलेंगे एक लाख की लाइबिलिटी पहले साल के एंड में अप्रूव हुई है मैं सिर्फ पहले साल की बैलेंस शीट की बात कर रही करी तीनों साल की मैंने नहीं दिखाई है यहाँ पे हम बोलेंगे पहले साल के एंड में एक लाख की लाइबिलिटी अक्रू हो गई और उसी में से जो आपने एसेट्स जोड़े हैं आपने जो पैसा इकट्ठा किया उसकी पेमेंट के लिए जो पिगी बैंक में आपने पैसे जोड़े वो यहीं से सेट ऑफ करके आप एक नेट लाइबिलिटी दिखाओ दस हज़ार की आप एक नेट लाइबिलिटी दिखाओ दस हज़ार की जो आपने पेमेंट करना है शांति को उसकी नेट लाइबिलिटी हम दिखा रहे हैं दस हज़ार क्योंकि ये है एक लाइबिलिटी यहाँ पे हम क्रिएट कर, कर रहे हैं लाइबिलिटी टुवर्ड्स शांति जो हमें शांति को पेमेंट करना है एट एंड ऑफ इयर्स उसको हम लाइबिलिटी क्रिएट करें इसलिए हम लाइबिलिटी साइड पे दिखा रहे हैं कि एम्प्लॉय के टुवर्ड्स तो एक पेबल है सो दिस इज द वे हमें बैलेंस शीट में चीजों को प्रेजेंट करके दिखाना है तो अब यहाँ तक हमें एक बेसिक आइडिया मिला है कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में दो चीजें होती है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और प्लान एसेट्स यानी कि ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है कि आप हर साल अपना खर्चा बुक कर करके लाइबिलिटी अक्रू कर रहे और दूसरी तरफ आप पैसे भी सेव कर रहे हो ताकि आप उसको पेमेंट कर सको शांति को एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स अभी तक हम इग्नोर करके चल रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी अब समय आ गया कि अब हमें उसे इंक्लूड करना पड़ेगा तो पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझेंगे फिर हम इसको अपने डिफाइन बेनिफिट प्लान के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करेंगे अब हम स्टार्ट करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है बचपन से हमने घर में सुना है कि हमारे डैड हमें बोलते हैं कि हमारे जमाने में एक लाख रुपए में प्लॉट ऑफ लैंड मिलता था आज वही प्लॉट ऑफ लैंड दस करोड़ का मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ बदलती रहती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाउ लेट्स से मेरे पास सौ रुपए हैं आज और ये सौ रुपए में अपने गद्दे के नीचे छुपा दू और एक साल बाद निकाल के देखू तो वो सौ रुपए कितने हो चुके होंगे वो सौ रुपए का नोट तो सौ रुपए का नोट ही रहेगा यानी कि फेस वैल्यू तो बराबर रहेगी आज सौ रुपए मैंने गद्दे के नीचे छुपाए एक साल बाद भी वो सौ रुपए ही निकले हालांकि फेस वैल्यू बराबर है बट बर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहते हैं फाइनेंस में हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि आज के सौ रुपए की वैल्यू और कल के सौ रुपए की वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी कल मतलब एक साल बाद की हम बात कर रहे हैं वन ईयर लेटर तो आज के सौ रुपए की जो वैल्यू है वो एक साल बाद वाले सौ रुपए से हमेशा ज्यादा होगी आज के सौ रुपए की वैल्यू एक साल बाद वाले सौ रुपए से ज्यादा होगी ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आज के सौ रुपए की वैल्यू एक साल बाद वाले सौ रुपए से ज्यादा होगी क्योंकि मनी के पास अर्निंग पोटेंशियल होता है मनी आप मनी को ग्रो करा सकते हो अगर आप उसको इन्वेस्ट कर दो अगर इस एक साल के ड्यूरेशन में मैंने गद्दे के नीचे पैसे ना छुपा के बैंक में डाल दिए एफ डी में डाल दिए होते और वहां पर सात रिटर्न कमा लिया होता तो मेरे सौ रुपए एक साल बाद बैंक में एक हो चुके होते यानी कि पैसे के पास पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सके आप पैसे को ग्रो करा सकते हो और अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो गद्दे के नीचे छुपा रहे हो गुल्लक में डाल रहे हो यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हो आज के सौ रुपए कल के सौ रुपए के बराबर नहीं होंगे आज के सौ रुपए की वैल्यू कल के 100 रुपए से ज्यादा होगी तो इसीलिए गद्दे के नीचे छुपाने से कुछ नहीं होगा आपको उसको इन्वेस्ट करके ग्रो कराना चाहिए अब कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं जैसे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ये सब क्या होता है लेट्स अंडरस्टैंड मान लो आपको एक पेड़ उगाना है तो आप क्या करोगे आप बीज बो दोगे आप खाद डालोगे आप अच्छा फर्टिलाइजर डालोगे आप बीज बोओगे आप उसको पानी दोगे फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना ज्यादा साल आप रुकोगे मान लो आप पांच साल रुके या दस साल रुके जितना ज्यादा साल आप रुकोगे उतना ही बड़ा और घना आपका पेड़ होगा सो so, ऐसे हम पेड़ उगाते हैं तो ये जो बीज हम बो रहे हैं दैट्स प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज मेरे पास कितने पैसे हैं आज मेरी जेब में सौ रुपए है और ये सौ रुपए को मैं ग्रो कराना चाहती हूँ तो मैंने किस फर्टिलाइजर में डाले जिस फर्टिलाइजर में मैंने ये डाले वो है इंटरेस्ट रेट यानी कि जितना अच्छा फर्टिलाइजर होगा जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही जल्दी जल्दी आपका पैसा ग्रो करेगा और अब मैं जितने साल रुकूंगी मान लो मैं पांच साल रुकी तो जितना लॉन्गर पीरियड के लिए मैं रुकूंगी उतना ही बड़ा और घना मेरा पेड़ होगा और ये जो पेड़ है पेड़ क्या है ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है तो मतलब मान लो आज मेरे पास सौ रुपए है मैंने सौ रुपए को सात परसेंट के रेट पे इन्वेस्ट कर दिया पांच साल के लिए और पांच साल बाद मेरे पैसे हो गए एक सौ चालीस तो क्या हमें क्लियरली दिख रहा है कि फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी प्रेजेंट वैल्यू से हमारा प्रेजेंट वैल्यू तो छोटा सा बीज है फ्यूचर वैल्यू एक बड़ा सा पेड़ है तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब आज के जो सौ रुपये हैं वो पाँच साल बाद के एक सौ चालीस के बराबर हैं ये प्रेजेंट वैल्यू है ये फ्यूचर वैल्यू जब रेट सात परसेंट है और टाइम फाइव ईयर्स का है तो आज के सौ रुपये पाँच साल बाद के एक सौ चालीस के बराबर हैं आज के सौ रुपये पाँच साल बाद के सौ रुपये के बराबर नहीं है आज के सौ रुपये पांच साल बाद के 140 के बराबर है अब एक बार आगे देखते हैं आओ एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं मान लो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। आप मुझे दो ऑप्शंस दे रहे हो या तो आप मुझे ऑप्शन दे रहे हो कि मैं आज आपसे सौ रुपए ले सकती हूँ या आप मुझे एक साल बाद क्या दे दोगे एक साल बाद आप मुझे एक सौ दस रुपए दे दोगे तो so, मैं इन दोनों में से कैसे डिसाइड करूंगी कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है कि मैं आज आपसे सौ रुपए ले लूं या एक साल बाद मैं आपसे एक सौ दस रुपए ले लूं तो मैं इन दोनों ऑप्शंस में से कैसे चूज करूँ कि मेरे लिए कौन सा ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है तो हम कैसे करते हैं मैं ये सोचूंगी अगर आज मुझे सौ रुपये मिल जाते हैं और मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं ये पैसा एफ डी में डाल दूं सात परसेंट के रिटर्न पे तो ये पैसा कितना ग्रो कर जाएगा ये पैसा हो जाएगा एक सौ सात रुपये एक साल बाद यानी कि अगर आप मुझे आज सौ रुपए देते हो मैं इसको इन्वेस्ट करके एफडी में एक सौ सात ही बना पाऊंगी और ऑप्शन नंबर टू में आपने मुझे दिया बोला था कि एक सौ दस रुपए ले लेना एक साल बाद और ये सारे गारंटीड पैसे हैं गारंटीड है रिस्क फ्री है कोई दिक्कत नहीं है एफ वाला भी गारंटीड पैसा है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा कोई रिस्क नहीं है तो मैं कौन सा ऑप्शन प्रेफर करूंगी आज सौ रुपए लेने वाला या एक साल बाद एक सौ दस रुपये लेने वाला तो पहले तो हमने दोनों को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे लिया है कि आज के सौ रुपए की एक साल बाद वाली वैल्यू है कितनी मेरे लिए एक सौ सात रुपए क्योंकि मैं उसको एफडी में इन्वेस्ट करके सात परसेंट कमा सकती हूँ और आप मुझे दूसरे ऑप्शन में दे रहे थे एक, एक साल बाद एक सौ दस रुपये तो फिर कौन सा ऑप्शन बेटर हुआ ल्यूक्रेटिव ज्यादा ऑप्शन ये है हम बोलेंगे कि आप मुझे एक साल बाद एक सौ दस रुपये दे देना वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है और यहीं पर अगर आपने मुझे बोला होता ऑप्शन वन ऑप्शन टू कि आज मेरे से आज सौ रुपए ले लो नहीं तो वन ईयर लेटर आप मेरे से एक सौ पांच रुपए ले लेना ले तो ऐसे केस में मैं कौन सा ऑप्शन प्रेफर करूंगी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर वन क्योंकि मुझे पता है कि मैं एफडी में डाल के इसको एक सौ सात बना लूंगी तो मैं एक साल बाद आपसे एक सौ पांच क्यों लू मैं तो आज ही सौ रुपए लेके उसको एफडी में डाल के एक सौ सात बना लूंगी ना तो इसका मतलब क्या है ये जो सौ रुपए है ये प्रेजेंट वैल्यू है और इस प्रेजेंट वैल्यू की एक साल बाद की फ्यूचर वैल्यू कितनी है एक सौ सात रुपए सात परसेंट क्या ये सात परसेंट मेरा रिस्क फ्री रेट है मैं मैं पैसा कमा सकती हूं। में मैं डाल के सात परसेंट रेट है जिस पे मैं पैसा कमा सकती हूँ तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सौ रुपए और एक साल बाद की वैल्यू कितनी है एक सौ सात रुपए दिस इज माई फ्यूचर वैल्यू अब हम प्रेजेंट वैल्यू को पी बोल देंगे फ्यूचर वैल्यू को एफ बोल देंगे तो अगर सौ रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है तो फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है एक साल बाद एक ठीक है ना तो मेरी फ्यूचर वैल्यू बनती है एक प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू जाने के लिए हमने क्या किया हमने सौ में क्या जोड़ा सौ पे सात परसेंट कि सौ रुपए इन्वेस्ट किया था और उसपे सात परसेंट का रिटर्न कमा लिया यानी कि आपने क्या किया वन प्लस पॉइंट जीरो सेवन ये किया मैं इसको थोड़ा सा सिम्पलीफाई कर रही हूं यानी कि आपने सौ में मल्टीप्लाई किया वन पॉइंट जीरो सेवन इससे आप प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू में पहुंचे अब यहीं उल्टा जाना है तो अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू पे आना है तो हम क्या करेंगे अगर मेरी प्रेजेंट वैल्यू है सौ रुपये फ्यूचर वैल्यू है एक सौ सात रुपये क्योंकि मेरा सात परसेंट रिस्क फ्री रिटर्न है तो अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे लौट के आना है तो मैं क्या करूँगी जब जाना था तो मल्टीप्लाई किया था वन पॉइंट जीरो सेवन से तो वापस आना है तो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे वन पॉइंट जीरो सेवन से ठीक है ना तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू आने पर इसको बोला जाता है कि आपने इसको डिस्काउंट कर दिया फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू आने के लिए आप इसको बोलते हो कि आपने इसको डिस्काउंट कर दिया अपनी वैल्यू को और प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू जाने के लिए आप बोलते हो हमने इसको कंपाउंड कर दिया हमने अपनी वैल्यू को कंपाउंड कर दिया यानी कि आपने प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड की अपनी वैल्यू सात रेट के हिसाब से और फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू आने के लिए आपने इसको डिस्काउंट कर दी सात परसेंट से तो आपका रेट जो सात परसेंट है वो आपका रिस्क फ्री रेट था वही डिस्काउंट रेट बन जाता है वही इस केस में आपका रिटर्न का रेट या इंटरेस्ट का रेट बन गया और वही आपका डिस्काउंट का रेट बन गया जब आप फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू लौट रहे हो ठीक है तो हम इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जैसे आपने जब मुझे दो ऑप्शन दिए थे या तो आज सौ ले लो या एक साल बाद एक ले लेना ले तो हमने क्या किया था कि ये सौ रुपये आज की वैल्यू है यानी कि प्रेजेंट वैल्यू तो इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली फिर दोनों एक साल बाद वाली वैल्यूज़ को कंपेयर किया या फिर ऑल्टरनेट क्या होगा कि ये आज की वैल्यू है तो इसको भी आज की वैल्यू पे ले आओ फिर दोनों आज की वैल्यूज़ को कंपेयर करो जैसे हम कैसे करेंगे इस केस में कि ऑप्शन नंबर वन है सौ आज ले लो ऑप्शन नंबर टू है एक साल बाद एक ले, ले, ले लेना तो मैं क्या करूँगी अगर ये फ्यूचर वैल्यू है इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है तो फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे जाएंगे अगर मेरा डिस्काउंट रेट सात परसेंट का है तो मैं क्या करूँगी डिवाइड कर दूंगी बाय वन पॉइंट जीरो सेवन है ना तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी एक सौ दस डिवाइड 102.80 अब आप दोनों प्रेजेंट वैल्यूज को कंपेयर कर लो यानी कि दोनों आज की वैल्यूज को कंपेयर कर लो ये तो आज की वैल्यू थी इसको भी हम आज की वैल्यू पे ले आए तो 102.80 है आज की वैल्यू तो तब भी आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर टू ज्यादा ल्यूक्रेटिव है तो अब हमें समझ में आ गया अगर मेरे पास आज सौ रुपए है और मैं इसको एक साल के लिए इन्वेस्ट कर देती हूँ वन ईयर लेटर इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर मेरा रेट सात परसेंट है तो एक सौ सात इसकी वैल्यू होगी दिस इज माय फ्यूचर वैल्यू तो आज के सौ रुपए की वैल्यू कितनी है एक साल बाद वन जीरो सेवन आज के सौ रुपए एक साल बाद के सौ रुपए के बराबर नहीं है आज के सौ रुपए एक साल बाद के एक सौ सात रुपए के बराबर है अगर मेरा सात परसेंट का रेट है राइट right? सो so, हम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू में जा सकते हैं फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू में आ सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए होगा एक फॉर्मुला और वो फॉर्मुला कैसे बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला ही हम यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच में तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला कैसे बनता है उसी को एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में अप्लाई कर लेंगे तो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिखा रखा तो उसको पहले रफ में समझ लेते हैं जीरो पीरियड यानी कि आज मैंने सौ रुपए इन्वेस्ट किए रेट चल रहा है दस परसेंट के हिसाब से और ये सिंपल इंटरेस्ट है दस परसेंट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने इन्वेस्ट किया है तो एक साल के एंड में मेरा इंटरेस्ट कितना बनता है सौ रुपए का दस परसेंट यानी कि दस रुपए और आपका अमाउंट कितना हो गया एक साल के एंड में आपका अमाउंट कितना हो गया प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी दस रुपए अब सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना बनेगा सौ रुपए का दस परसेंट यानी कि दस रुपए तो आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर टू कितना हो गया एक सौ दस तो पहले ही हो गया था आपका अमाउंट प्लस सेकेंड ईयर का और इंटरेस्ट जुड़ गया तो यानी कि एक सौ बीस हो गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर टू और ईयर थ्री के एंड में आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा सौ रुपए का दस परसेंट यानी कि दस रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर थ्री कितना हो जाएगा एक सौ बीस तो आपका पहले ही हो गया था पैसा उसमें दस रुपए का इंटरेस्ट और मिल गया तो एक सौ तीस रुपए हो गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर थ्री ये होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसमें आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है यानी कि सौ रुपए का ही दस परसेंट आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ब्याज पे भी ब्याज मिलता है तो अगर मैंने जीरो पीरियड में सौ रुपए इन्वेस्ट किए हैं दस परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या होगा एक साल बाद आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट सौ रुपए का दस परसेंट यानी कि दस रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और आपका अमाउंट कितना होगा अमाउंट निकलता है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो सौ रुपए प्लस दस रुपए आपका अमाउंट हो गया एक सौ दस रुपए एट ईयर वन अब यहां से गेम चेंज होगा सिंपल इंटरेस्ट में भी अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर वन 110 ही था कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अमाउंट एट द एंड वन एक सौ 110 ही है पर गेम चेंज होगा यहां से जो अब ईयर वन के एंड में अमाउंट है ना वो अगले साल का प्रिंसिपल बनेगा यानी कि अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर वन आपका प्रिंसिपल फॉर ईयर टू बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट केस में तो जो आपका अमाउंट हो चुका है यहां पे 110 अब अगले साल का जो इंटरेस्ट है वो 110 पे कैलकुलेट होगा यानी कि सौ रुपए का आपके प्रिंसिपल जो ओरिजिनली इन्वेस्ट किया था उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में और जो फर्स्ट ईयर के दौरान आपने दस रुपए का इंटरेस्ट कमाया उस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इसीलिए बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ईयर टू के लिए आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा जो आपका ईयर वन के एंड में अमाउंट बचा था अमाउंट हो गया था उसी पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा यानी कि 110 का 10 परसेंट ग्यारह रुपए का इंटरेस्ट और अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर टू क्या हो जाएगा 110 सौ दस प्लस ग्यारह यानी कि 121। और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में देखोगे सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट एक था यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका अमाउंट ज्यादा है

इंटरेस्ट का इंटरेस्टॉमला डिराइव कैसे होता है वो सीख लेते हैं आपने इनिशियली सौ रुपए इन्वेस्ट किए थे और एक साल बाद आपका अमाउंट हो गया था एक सौ दस तो अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखना चाहें अमाउंट होता क्या है अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना तो एक साल के एंड का अमाउंट कितना है एक सौ दस सौ दस बना कैसे आपने सौ रुपए इन्वेस्ट किए थे दस तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल परसेंट को पॉइंट वन जीरो से रिप्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है और यहां पे अगर मैं सौ कॉमन ले लूं इस में तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो मैं सौ कॉमन ले लेती हूं तो यह आ जाएगा नीचे लिखते हैं हंड्रेड ंड्रेड मैंने कॉमन लिया वन प्लस पॉइंट वन जीरो आ गया ये किसके बराबर है एक सौ दस के बराबर एक सौ दस आपका कैसे आया हंड्रेड इंटू वन प्लस पॉइंट वन जीरो है मेरे एक सौ दस की वैल्यू ठीक है अब दूसरे साल की बात करते हैं दूसरे साल में आपका अमाउंट कितना हो गया था एक सौ इक्कीस हो गया था पर दूसरे साल के प्रिंसिपल दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या माना जाएगा एक सौ दस क्योंकि अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर वन बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर सो so, अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर वन कितना है एक सौ दस तो ये अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा तो इसका मतलब अमाउंट एट एंड ऑफ ईयर टू कितना होगा अमाउंट एट एंड ऑफ ईयर टू कितना होगा वो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा और प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर के लिए 110 फिर आप 110 का 10 परसेंट कमाओगे सेकेंड ईयर में तो ये अमाउंट आ जाएगा एक अब मैं दस परसेंट को पॉइंट वन जीरो से रिप्लेस करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे मैंने वन वन जीरो को कॉमन निकाल लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो ये वैल्यू कितनी आ रही है वन वन जीरो इंटू वन प्लस पॉइंट वन जीरो अब मेरे पास दो इक्वेजन पड़ी है सामने एक ये है वन वन जीरो इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू वन प्लस पॉइंट वन जीरो और दूसरी इक्वेजन ये वन ट्वेंटी वन इक्वल टू वन वन जीरो इंटू वन प्लस पॉइंट वन जीरो अब मैं वन वन जीरो की वैल्यू अगर ऊपर से उठा के ले आती हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं वन वन जीरो की वैल्यू ऊपर से एक बार उठा लेती हूँ तो इसका मतलब एक सौ इक्कीस क्या हो जाएगा हंड्रेड इंटू वन प्लस पॉइंट वन जीरो और एक वन प्लस पॉइंट वन जीरो फिर से आ जाएगा ब्रैकेट जो ऊपर से आ रहा था मैंने वन वन जीरो की वैल्यू रिप्लेस कर दी ऊपर वाली इक्वेजन से आई मैं तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हंड्रेड इंटू वन प्लस पॉइंट वन जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी वन अब इसको अगर फॉर्मूला इक्वेशन में फॉर्म पुट करें तो अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर टू इज नथिंग बट प्रिंसिपल वन प्लस रेट का स्क्वायर तो ये तो हुआ अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर्स अगर मैं टू को टी से रिप्लेस कर दूं यानी कि अमाउंट एट द एंड ऑफ टी ईयर्स कितना होगा तो अमाउंट एट द ईयर होगा पी इन वन प्लस रेट रेस टू दी टी ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला इसी को डायरेक्टली हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में यूज करते हैं कैसे सो so, ये जो अमाउंट है दिस अमाउंट इज नथिंग बट माई फ्यूचर वैल्यू पी प्रिंसिपल इज नथिंग बट माई प्रेजेंट वैल्यू एंड वन प्लस आर टू दी पार्ट टी तो वही बात है सेम चीज आप यूज करते हो तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जैसे हमने बोला था एक सौ इक्कीस हो गया अमांग आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ दफ टूर्स अगर आपने सौ रुपए इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ टेन परसेंट यानी कि यानी कि हंड्रेड रुपीज की वैल्यू कितनी है टू इयर्स लेटर हंड्रेड रुपीज की वैल्यू है एक सौ इक्कीस अगर आपने दस परसेंट एनम पे इन्वेस्ट किया है ना यही हम बोलना चाह रहे हैं ना वहां पे उस फॉर्मुला से कि आपकी वैल्यू हो जाती है एक सौ इक्कीस अगर आपने आज सौ रुपये इन्वेस्ट किया दस परसेंट के हिसाब से दो साल बाद तो यही चीज हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे सौ रुपए की प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू कितनी है 121 अगर आपका रेट है 10 परसेंट और दो साल बाद so, की आप बात करो टू इयर्स का टाइम है सो माय प्रेजेंट वैल्यू सौ रुपए की प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है 121 सौ इक्कीस तो इसलिए डायरेक्टली ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉमुला हम डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में अप्लाई करते हैं तो अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है कि अगर आपको बता रखा है कि आज की प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है हजार आपको बता रखा है टाइम है थ्री ईयर्स का और रेट बता रखा है दस परसेंट के हिसाब से तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी तो डायरेक्टली आप फॉमूला अप्लाई करोगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस रेट टू दी पार्ट टी टी कितना है थ्री इयर्स रेट कितना है टेन परसेंट तो आपने बस उस फॉर्मूला में अप्लाई किया क्योंकि हमने क्या बोला था फ्यूचर वैल्यू क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस रेट टू दी पार्ट टी है ना और फ्यूचर वैल्यू आपको ढूंढनी है प्रेजेंट वैल्यू आपको बता रखी है एक हजार रुपए रेट आपको बता रखा है पॉइंट वन जीरो टाइम आपको बता रखा है थ्री इयर्स तो आप इसको सॉल्व करोगे तो फ्यूचर वैल्यू आ जा जाएगी जो कि आ रही है कितनी वन थ्री थ्री वन सेकेंड क्वेश्चन देखो प्रेजेंट वैल्यू बताओ वन थ्री थ्री वन की जो कि तीन साल बाद की वैल्यू है तीन साल बाद यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखे वन थ्री थ्री वन आपको आपको अगर फ्यूचर वैल्यू दे रखे वन थ्री थ्री वन सॉरी हाँ अगर फ्यूचर वैल्यू दे रखे वन थ्री थ्री वन टाइम बता रखा है थ्री इयर्स रेट बता रखा है दस परसेंट तो प्रेजेंट वैल्यू बताओ क्या आप प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ सकते हो आज की वैल्यू ढूंढ सकते हो तो हम फॉर्मुला में पुट कर देंगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस रेट पॉइंट वन जीरो रेस टू दी पार्ट टाइम तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी एक हज़ार रुपये ठीक है ना तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी एक हजार रूपये अब बस एक पॉइंट बचा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का एक बार उसको डिस्कस करते हैं हमने सीखा कि फ्यूचर वैल्यू आफ्टर टी इयर्स होती है प्रेजेंट वैल्यू इन टू वन प्लस यही फॉर्मुला है अब अगर मेरी प्रेजेंट वैल्यू मिसिंग हो और उसे मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी मैं फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दूंगी वन प्लस रेट टू दि पार्ट टाइम से तो मेरे पास मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तो बस इसको हम नीचे ले गए फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड करा दिया तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आई अब अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखना चाहूंगा

आ जाएगी तो so, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं Let's take these figures. हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट में सौ रुपए का रेट है तो एक साल बाद के 110, के की 121, के की 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 वैल्यू 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 है है ईयर ईयर थर्ड लेते हैं जीरो वन टू थ्री हंड्रेड वन वन जीरो नहीं बता रखी मुझे एक साल के एंड में फ्यूचर वैल्यू बता रखी है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर वन ईयर है वन वन जीरो वन वन जीरो इज फ्यूचर वैल्यू आफ्टर वन ईयर रेट इज दस परसेंट टाइम इज वन ईयर ठीक है तो इसमें से मुझे प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है तो मैं फॉर्मुला लगा सकती हूँ डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस रेट टू रेस टू दी टाइम टाइम इज वन ईयर तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी आप इसको सॉल्व कर लोगे वन वन जीरो डिवाइड वन तो आ जाएगा हंड्रेड तो ये तो हुआ डायरेक्टली हमने फॉर्मुला लगाया अब हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेस पे कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और उसको फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब कैसे करेंगे सेकेंड ऑप्शन जो अब हमें करना है आगे चल के हम क्वेश्चन में भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो मुझे बता रखिए फ्यूचर वैल्यू कितनी है वन इसको मल्टीप्लाई करो पीवी फैक्टर से पी फैक्टर कैसे निकलेगा वैन टाइम इज वन एंड रेट इज दस तो मैं पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तो पी फैक्टर कैसे निकलेगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस रेट टू दी पार्ट टाइम तो पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हमें करना है वन डिवाइडेड बाय पॉइंट वन तो कैसे होगा वन पॉइंट वन लिखो कैलकुलेटर पे डिवाइडेड प्रेस किया इक्वल टू प्रेस किया तो आ गया पॉइंट नाइन जीरो नाइन यानी कि हम क्या करेंगे वन वन जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट नाइन जीरो नाइन से तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी पॉइंट नाइन जीरो इंटू वन वन जीरो इक्वल टू हंड्रेड तो मेरी हंड्रेड आ गई प्रेजेंट वैल्यू सो so, कुछ नहीं है हमने अल्टीमेटली तो किया वही है जो फॉर्मुला से किया था पर अब हम 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 क्या करें अब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसको फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड योर प्रेजेंट वैल्यू तो so, अब बाकी दोनों में भी डायरेक्टली अप्लाई करते हैं आपको बता रखिए फ्यूचर वैल्यू आफ्टर टू ईयर है वन वन so, सो फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू बता रखी है वन ट्वेंटी वन टाइम बता रखा है टू ईयर का रेट बता रखा है दस परसेंट और आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं तो कैसे करेंगे तो हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू को अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो वन टाइम इज टू ईयर एंड रेट इज टेन परसेंट तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी नाउ फ्यूचर वैल्यू कितनी है फ्यूचर वैल्यू वन ट्वेंटी वन है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस रेट टू दि पार्ट टाइम तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे डिवाइडेड बाय का स्क्वायर कैसे निकलेगा तो आप करोगे वन पॉइंट वन क्वल टू इक्वल टू दो बार इक्वल टू प्रेस कर दोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है पॉइंट एट टू सिक्स एट टू सिक्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वन ट्वेंटी तो यार नाइन नाइन पॉइंट नाइन फोर सिक्स यानी कि राउंड ऑफ करके हम इसको हंड्रेड मान लेंगे हंड्रेड मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई अब थर्ड ईयर के लिए देखो अगर आपको बता रखा है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर थ्री ईयर्स आफ्टर थ्री इयर्स आपको बता रखे वन थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो टाइम थ्री इयर्स हो गया रेट दस परसेंट हो गया तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी फ्यूचर वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे पीवी फैक्टर से व्हेन टाइम इज थ्री इयर्स एंड रेट इज टेन परसेंट फ्यूचर वैल्यू वन थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस रेट टू दी पार्ट टाइम इज इक्वल टू माई प्रेजेंट वैल्यू तो पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं वन पॉइंट वन लिखा कैलकुलेटर पर डिवाइडेड प्रेस किया इक्वल टू तीन बार प्रेस करो वन टू थ्री तो यार पॉइंट सेवन फाइव वन थ्री तो पॉइंट सेवन फाइव वन ले लेंगे ले इसको थ्री डिजिट्स तक राउंड ऑफ करके पॉइंट सेवन फाइव वन अब पॉइंट सेवन फाइव वन को मल्टीप्लाई करो वन थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो से तो ये नाइन नाइन पॉइंट नाइन फाइव आ रहा है यानी कि हंड्रेड मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई ठीक है कोई दिक्कत नहीं इस तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज़ करेंगे थ्री डिजिट्स तक राउंड ऑफ करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को लेंगे फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलता कैसे है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस रेट टू दी पार्ट टाइम और एक छोटा सा शॉर्टकट कैसे होता है ये सारी वैल्यूज कैसे निकलती है जीरो वन टू थ्री अगर यहाँ पे वैल्यू सौ रुपये है और रेट चल रहा है दस परसेंट का तो आप वन पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक साल के एंड की वैल्यू आ जाएगी कैसे क्योंकि में दस परसेंट कमाया सौ में सौ का दस परसेंट कमाया होगा इसमें से अगर मैं सौ कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा सौ इंटू वन प्लस में वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक साल के एन की वैल्यू आ गई एक साल के एन की वैल्यू में अगर आप वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेकंड ईयर के एन की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इस बार सेकंड ईयर में क्या होगा वन वन जीरो में वन वन जीरो का आपने दस परसेंट कमाया होगा वन वन जीरो कॉमन आ गया तो वन वन जीरो में वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई किया तो सेकंड ईयर के एंड की वैल्यू आ गई फिर उसके बाद वन ट्वेंटी वन में वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड ईयर के एंड की वैल्यू आ जाएगी वन थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो क्योंकि वन ट्वेंटी वन में वन ट्वेंटी वन का दस परसेंट कमाएंगे ठीक है तो इसका मतलब हम क्या करते हैं अगर फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू जाननी है तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई कर दो वन पॉइंट वन सेकेंड ईयर के एन की वैल्यू जाननी है तो वन पॉइंट वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो थर्ड ईयर के एन की वैल्यू जाननी है तो वन पॉइंट वन का क्यूब मल्टीप्लाई कर दो फोर्थ ईयर के एन की वैल्यू जाननी है तो वन पॉइंट वन रेज टू के बाद फोर मल्टीप्लाई कर दो फिफ्थ ईयर के एन की वैल्यू जाननी है तो वन पॉइंट वन रेस्ट टू के दाफ फाइव ट्टिप्लाइ इन में से एक वेरीफाई करके हम देख लेते हैं फॉर्मुला से सारे नहीं करूंगी सारे आप वेरीफाई करोगे सो देखो अगर मेरे को पता है प्रेजेंट वैल्यू सौ है प्रेजेंट वैल्यू सौ है टाइम थ्री इयर्स का है रेट दस परसेंट का चल रहा है तो मेरी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकल जाएगी हंड्रेड इंटू वन प्लस रेट टू दी पार्ट टाइम यानी कि हंड्रेड इंट वन पॉइंट वन का क्यूब और यही आ रहा था यहाँ पे यही आ रहा था वेरीफाई हो गया बाकी सारे आप खुद वेरीफाई करोगे और यही अगर रिवर्स जाना है फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आना है तो क्या करेंगे जीरो वन टू थ्री अगर मुझे बता रखा है कि एक साल के एंड की वैल्यू वन वन जीरो है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो वन पॉइंट वन से डिवाइड करो दो साल के एंड की वैल्यू बता रखी एक सौ इक्कीस तो वन पॉइंट वन के स्क्वायर से डिवाइड करो वेन रेटेज टेन परसेंटेंटेंटेंटेंट ऑफ कॉस्ट और अगर तीन साल के एंड की वैल्यू बता रखी है वन थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो तो 1.1 के क्यूब से डिवाइड करेंगे और ऐसे ही चार साल के एन की वैल्यू अगर आपको बता रखे तो 1.1 पॉइंट वन रेस्टी तो पार फोर से डिवाइड करो पांच साल के एन की वैल्यू बता रखी है तो वन पॉइंट वन रेस्टू दाइव से डिवाइड करो एंड सो ऑन ठीक है ना एक को वेरीफाई करके दिखा देती हूँ बाकी आप खुद वेरीफाई कर सकते हो तो अगर वन थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो इज माई फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन टन प्लस रेट टू दि पार टाइम

ये आपका पीयू फैक्टर हो जाएगा दो साल बाद की वैल्यू दे रखे तो वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन रेस्टिबा टू ये आपका पीयू फैक्टर हो जाएगा तीन साल बाद की वैल्यू दे रखे तो पीयू फैक्टर क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन का क्यूब क्योंकि टाइम है थ्री ईयर्स ठीक है तो ऐसे तो आपके पीयू फैक्टर्स आ जाएंगे वो आप फटाफट कैलकुलेट करोगे फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी अब चलते हैं आगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान पे वापस आते हैं एक्जाम्पल नंबर टू की बात करते हैं अब हम एग्जाम्पल नंबर टू में क्या हो रहा है हमने शांति को फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को हायर किया वो तीन साल हमारे साथ काम करेगी तीन साल के एंड में हम उसको तीन गोल्ड कॉइन्स देंगे अब देखो रियल लाइफ में तो रिटायरमेंट बीस साल बाद भी हो सकती है तीस साल बाद भी हो सकती है पर यहां पे चीजों को सिंप्लीफाइड रखने के लिए हमने माना है कि वो तीन साल काम करेगी तीन साल के एंड में रिटायर हो जाएगी और यहां पे हम उसको देंगे तीन गोल्ड कॉइन्स अब क्या ये सामने सामने समझ में आ रहा है कि एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे क्या बेनिफिट मिलेगा तीन गोल्ड तो बेनिफिट इज डिफाइंड तो बेनिफिट प्लान है टोटल बेनिफिट नंबर ऑफ इस डि तीन साल की सर्विस के लिए दिए जा रहे हैं तो एक साल की सर्विस के लिए कितना बेनिफिट बनता है एक गोल्ड कॉइन यानी कि हर साल की सर्विस के लिए आप उसको दोगे एक गोल्ड कॉइन एक गोल्ड कॉइन एक गोल्ड कॉइन अब बात करते हैं अकाउंटिंग की हम ईयर वन के एंड में अकाउंटिंग कैसे करेंगे पहले एग्जाम्पल से ये तो हमें बहुत क्लियर है कि हर साल के एंड में कुछ ना कुछ खर्चा लाइबिलिटी बुक करना है पर वो कितना बुक होगा कैसे बुक होगा वो अब हमें सीखना है तो पहले साल के एंड में शांति ने सर्विसेज रेंडर की पहला साल जब खत्म हुआ ईयर वन की सर्विसेज खत्म हुई हम यहाँ पे खड़े हैं ईयर वन के एंड पे खड़े होकर अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे हमें खर्चा लाइबिलिटी बुक करना है तो अब ईयर वन इज माई करंट ईयर करंट ईयर के के बदले में हमने क्या देना है शांति को एक गोल्ड कॉइन तो करंट ईयर सर्विस की कॉस्ट कितनी है एक गोल्ड कॉइन करंट ईयर के सर्विस के बदले में क्या देना एक गोल्ड कॉइन तो इसलिए करंट ईयर सर्विस की कॉस्ट है एक गोल्ड कॉइन और इसको बोला जाता है करंट सर्विस कॉस्ट करंट सर्विस कॉस्ट क्या होता है करंट ईयर के सर्विस की कॉस्ट होता है करंट सर्विस कॉस्ट तो ईयर वन के एंड पे जब आप खर्चा टू लाइबिलिटी एंट्री पास करते हो उसमें खर्चे का नाम रखा जाएगा करंट सर्विस कॉस्ट और लाइबिलिटी का नाम रखा जाएगा डीबीओ पेबल अब ये एंट्री बुक कितने अमाउंट से होगी आपको बता रखा था वैल्यू ऑफ गोल्ड कितनी है एक गोल्ड के सिक्के की वैल्यू कितनी है पहले साल के एंड में सौ रुपये दूसरे साल के एंड में एक सौ दस रुपये और तीसरे साल के एंड में एक सौ इक्कीस रुपये मैंने यहाँ पे गोल्ड को एक फिक्स टेन परसेंट से ग्रो करता हुआ माना है रियल लाइफ में गोल्ड ऐसे ग्रो नहीं करता पर आपको इमोशनल नहीं होना हम ऐसा क्यों मान रहे हैं क्योंकि मेरे को आपको करंट सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट ये सारे टॉपिक्स इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने हैं आगे चल के मैं इसी को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे गोल्ड को 10 परसेंट से ग्रो कराया तो अब ईयर वन के एंड पे मैंने अपने ज्वेलर को फोन किया मेरे ज्वेलर का नाम है मुन्नू मैंने मुन्नू को फोन किया मुन्नू आज के डेट में एक गोल्ड के सिक्के की वैल्यू बताना तो उसने बोला आज की डेट में एक सिक्का एक सिक्के की वैल्यू है सौ रुपये तो मैंने अपना खर्चा लाइबिलिटी बुक कर लिया सी एस सी टू डीबीओ पेबल सौ रुपए पर ये सौ रुपये में क्यों मान के चल रही हूँ सौ रुपए का खर्चा लाइबिलिटी क्यों बुक कर रही हूँ क्योंकि अगर आज शांति ने अपना एप्रन उतार के फेंक दिया और बोला मेरा हिसाब कर दो तो हम उसको क्या देंगे हम उसको एक सिक्का देंगे और भेज देंगे एक सिक्का कितने का आएगा मुन्नू मुझे एक सिक्का कितने का देगा सौ रुपए का एक सिक्के की वैल्यू सौ रुपए है तो इसीलिए आज की डेट में खर्चा लाइबिलिटी मैं बुक करूंगी सौ रुपए का क्योंकि ईयर वन के एंड पे एम्प्लॉयर के सर पे मंडराती हुई लाइबिलिटी है सौ रुपए की अब बात कर लेते हैं ईयर टू की ईयर टू में क्या होगा जब ईयर टू की सर्विसेज शांति रेंडर कर देगी इस पीरियड के दौरान और मैं ईयर टू के एंड में खड़े होकर अकाउंटिंग करूंगी तो मैं ये बोलूंगी कि ईयर टू इज माई करंट ईयर नाउ ईयर टू अब मेरा करंट ईयर है करंट ईयर के बदले में क्या देना है एक सिक्का तो करंट ईयर के सर्विस की कॉस्ट क्या बनती है एक सिक्के के बराबर और करंट ईयर के सर्विस की कॉस्ट को बोला क्या जाता है करंट सर्विस कॉस्ट तो ईयर टू के एंड में खड़े होकर आप फिर से एंट्री पास करोगे सीएससी टू डीबीओ पेबल और ये क्यों बुक हो रही है ईयर टू की सर्विस की कॉस्ट अब इसका अमाउंट क्या होगा जब मैंने ईयर टू के एंड में मुन्नू को फोन लगाया तो मुन्नू ने बोला आज की डेट में एक सिक्का 110 का आता है तो इसीलिए ये खर्चा लाइव बुक होगा एक पे अब आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र में आ रही है जब पहले साल के एंड में मुन्नू को फ़ोन किया था तो वहां पे उसने बोला एक सिक्का आता है दूसरे साल के एंड में फ़ोन किया तो उसने बोला सिक्के की वैल्यू बढ़ गई गोल्ड की वैल्यू ग्रो कर गई दस परसेंट से और आज एक सिक्के की वैल्यू है एक सौ दस रुपये अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आ गई है ईयर टू के एंड में एक प्रॉब्लम आ गई है अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे जहाँ पे हमने इंटरेस्ट कॉस्ट को डिस्कस किया है तो यहाँ पे बात करते हैं

प्लस एक सौ दस दो सौ दस की लाइबिलिटी आपने ईयर टू के एंड तक अपनी बुक्स में दिखा रखी है बट अगर आप रियल में एम्प्लॉयर के सर पे मंडराती हुई लाइबिलिटी को देखोगे ईयर टू के एंड में अगर शांति अपना अप्रैल उतार के फेंक दे और बोले मेरा हिसाब कर दो तो आप शांति को क्या दोगे एम्प्लॉयर शांति को क्या देगा दो सिक्के दो सिक्के देगा क्योंकि एक सिक्का ईयर वन के लिए देगा एक सिक्का ईयर टू के लिए देगा दो सिक्कों की लाइबिलिटी एम्प्लॉयर के सर पे मंडरा रही है टोटल लाइबिलिटी और जब एम्प्लॉयर मुन्नू को फोन करता है तो मुन्नू बोलता है आज की डेट में एक सिक्का एक सौ दस रुपए का आता है तो मुझे मुन्नू से दो सिक्के खरीदने पड़ेंगे एक सौ दस वाले यानी कि आपकी बुक्स में लाइबिलिटी भी कितनी आनी चाहिए 110 प्लस 110 पर आपकी बुक्स में लाइबिलिटी 210 की आ रही है यानी कि कुछ लाइबिलिटी कम आ रही है जो बढ़ानी पड़ेगी और वो कम क्यों आ रही है क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज करोगे के बदले में आपने लाइबिलिटी 110 की बुक कर रखी है तो ईयर टू की लाइबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है ईयर टू की लाइबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने ईयर टू के बदले में लाइबिलिटी 110 की बुक कर रखी है वो बिल्कुल ठीक है प्रॉब्लम आ रही है सारी ईयर वन की लाइबिलिटी में ये कम बुकड है और ये कम क्यों बुकड है क्योंकि जब ईयर वन के एंड में मैं ईयर इन की लाइबिलिटी बुक करने के लिए मुन्नू को फोन कर रही थी तो वहां पे एक सिक्के की वैल्यू सौ रुपए थी अब क्या हुआ है अब हम जीवन में आगे आ गए एक साल आगे बढ़ गया टाइम हम एक साल आगे आ गए और एक साल आगे आने की वजह से यहाँ पे जो एक सिक्के की वैल्यू सौ की होती थी वो आज उस सिक्के की वैल्यू एक सौ दस की है यानी कि सिक्के की वैल्यू दस परसेंट से बढ़ गई तो आपको ईयर वन की लाइबिलिटी भी दस परसेंट से बढ़ानी पड़ेगी यानी कि सौ का दस परसेंट दस रुपए से आपको अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और उसका नाम हम रखेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट उस खर्चे का नाम हम रखेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट और एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट टू डीबीओ पेबल क्योंकि मुझे दस परसेंट से अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी है तो मैंने डीबीओ को क्रेडिट किया दस से और मैंने खर्चे का नाम रखा इंटरेस्ट कॉस्ट अब ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट का खर्चा है इसमें और करंट सर्विस कॉस्ट में फर्क क्या है करंट सर्विस कॉस्ट आप क्यों बुक करते हो करंट ईयर के सर्विस की कॉस्ट यानी कि ईयर वन में काम किया ईयर वन के बदले में एक सिक्का देना है तो एक सिक्का का खर्चा लाइबिलिटी बुक किया ईयर टू में काम किया एक सिक्का देना है ईयर टू की सर्विस के बदले में तो एक सिक्के की लाइबिलिटी आपने अक्रू करी वो होता है करंट सर्विस कॉस्ट सर्विस की कॉस्ट हम बुक कर रहे हैं सर्विस करने की काम करने की कॉस्ट हम बुक कर रहे हैं वो है करंट सर्विस कॉस्ट करंट ईयर में काम करने की कॉस्ट बुक कर रहे हैं पर इंटरेस्ट कॉस्ट अलग चीज है इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों बुक की जा रही है क्योंकि आप जीवन में एक साल आगे आ गए हो वक्त एक साल आगे बढ़ गया उसकी वजह से गोल्ड की वैल्यू ग्रो कर गई उसके लिए हमने ये खर्चा बुक किया हम ईयर वन की लाइबिलिटी को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं इसलिए बुक कर रहे हैं ईयर वन की करंट सर्विस कॉस्ट कहाँ बुक होती है ईयर वन के एंड पे सॉरी ईयर वन की करंट सर्विस कॉस्ट बुक होती है ईयर वन के एंड पे ईयर टू की करंट सर्विस कॉस्ट बुक होती है ईयर टू के एंड पे पर ये जो है ये ईयर वन की लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हो आप ईयर के एंड में क्योंकि ये क्यों बुक हो रहा है क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई एक साल आगे आने की वजह से तो अगर गोल्ड को हटा दूं और मनी के टर्म्स में बात करूं तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से हम खर्चा बुक कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम है इंटरेस्ट कॉस्ट क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि आज के सॉक कल के सौ के बराबर नहीं होते अगर आप एक साल आगे आ जाओगे तो वैल्यू बदल जाएगी आज के सॉक कल के सौ के बराबर नहीं होंगे आज के सॉ एक साल बाद के सौ के बराबर नहीं है आज के सौ एक साल बाद बढ़ जाएंगे अगर 10 परसेंट का रेट है तो आज के सौ एक साल बाद के 110 के बराबर है तो वो जो दस रुपए का आपको इंटरेस्ट बुक करना पड़ रहा है एक साल आगे आने का कॉस्ट बुक करना पड़ रहा है अपनी लाइब्रेटी बढ़ानी पड़ रही है इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंटरेस्ट कॉस्ट अब यहाँ तक हमने करंट सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट ये सब सीख लिया ईयर वन ईयर टू की अकाउंटिंग भी सीख ली एक बार ईयर थ्री पे जाने से पहले लेट्स सी जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिखेगा पहले साल के एंड में आपने एंट्री पास की थी करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट टू डीबीओ पेबल ये क्या था पहले साल की सर्विसेज की कॉस्ट ईयर वन करंट ईयर था तो करंट ईयर की सर्विस की कॉस्ट आपने बुक की थी एक सिक्के के बराबर और ईयर वन के एंड पे एक सिक्के की वैल्यू थी सौ रुपये और यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट की कोई बात ही नहीं आती पहले साल में इंटरेस्ट कॉस्ट की बात नहीं आती क्यों क्योंकि अगर अगर आप पहले साल के एंड में मंडराती हुई लाइबिलिटी देखोगे एम्प्लॉयर के सर पे तो वो सिर्फ एक सिक्के की है और एक सिक्के की वैल्यू सौ रुपये तो यहाँ पे लाइबिलिटी करेक्ट बुकड होती है और ईयर वन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिखेगा आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर हेडिंग के अंदर बुक करोगे करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट ये दोनों चीज़ें चार्ज हो जाती है पी में आपने सौ की करंट सर्विस कॉस्ट बुक की और जीरो का इंटरेस्ट कॉस्ट पी में भेज दिया क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट था नहीं फिर लाइबिलिटी शीट कैसी दिखती है लाइबिलिटी शीट क्या है हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस उसमें करंट ईयर में जो आपने लाइबिलिटी बढ़ाई है और फिर क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी आ रही है तो ये जो क्लोजिंग लाइबिलिटी होती है हमारी बैलेंस शीट में चली जाती है ठीक है ना सो ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी आ रही है मेरी ओपनिंग लाइबिलिटी ईयर वन के बिगनिंग में तो जीरो थी क्योंकि जब शांति को हायर किया था तब कोई लाइबिलिटी नहीं थी पहले साल के एंड में आपने करंट सर्विस कॉस्ट बुक की सौ की तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी क्योंकि एंट्री पास होती है करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ तो करंट सर्विस कॉस्ट से आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है इंटरेस्ट कॉस्ट से भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है क्योंकि आप एंट्री पास करते हो इंटरेस्ट कॉस्ट टू डीबीओ पहले साल के एंड में इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो थी तो क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी आ गई क्लोजिंग लाइबिलिटी हो गई सौ रुपये अब सौ रुपए अगले साल की ओपनिंग लाइबिलिटी बनेगी अब अगले साल आपने क्या किया अगले साल आपने पहले तो ईयर टू की सर्विस की कॉस्ट बुक की करंट सर्विस कॉस्ट नाउ ईयर टू बिकम्स माई करंट ईयर करंट ईयर की सर्विस की कॉस्ट क्या है एक कॉइन एक सिक्का और यहाँ पे एक सिक्के की वैल्यू 110 है ईयर टू के एंड पे तो आपने एंट्री पास की करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ पेबल 110 ठीक है ना फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट की भी बात आती है क्योंकि ईयर टू के एंड में टोटल लाइबिलिटी जो एम्प्लॉयर की सर पर मंडरा रही होती है वो दो सिक्कों की होती है दो सिक्कों की लाइब्रिटी मंडरा रही होती है और एक सिक्के की वैल्यू एक सौ दस रुपए की होती है तो आपकी टोटल लाइबिलिटी वन वन जीरो प्लस वन वन जीरो आनी चाहिए आपकी बुक्स में पर ईयर टू तो की लाइबिलिटी तो करेक्ट आ रही होती है ईयर वन की लाइबिलिटी कम आ रही होती है जिसको हमें बढ़ाना पड़ता है हमें ईयर वन की लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ता है ईयर टू के एंड में और ये क्यों होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से है। एक साल आगे आ गए तो 10 परसेंट की ग्रोथ हो गई गोल्ड की वैल्यू में दस परसेंट की तो अपनी लाइबिलिटी को भी 10 से बढ़ाना पड़ रहा है पीएनएल कैसा और दस रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों चीजें पीएनएल में दी और आपकी लाइबिलिटी शीट कैसी दिख रही है आपका ओपनिंग डीबीओ सौ का था पिछले साल से आपने करंट ईयर में क्या क्या बुक किया करंट सर्विस कॉस्ट बुक की एक की इंटरेस्ट कॉस्ट बुक की दस की तो आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी आ गई टू टू जीरो टू टू जीरो आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी आ गई आप ओपनिंग में क्या क्या जोड़ते हो करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़ देते हो तो आपके पास क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाती है अब ये जो सेकंड ईयर के एंड पे लाइबिलिटी है ये अगले साल की ओपनिंग बनेगी ईयर थ्री की लाइबिलिटी और अब ईयर थ्री में भी आप करंट सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट बुक करोगे सो लेट सी ईयर थ्री की करंट सर्विस कॉस्ट कैसे बुक होगी जहां पे हमने करंट सर्विस कॉस्ट का डिस्कशन कर रखा है वहां पे आते हैं ईयर थ्री की करंट सर्विस कॉस्ट कैसे बुक होगी शांति ने सर्विसेज सर्विस की इस पीरियड के दौरान ईयर थ्री में दिस इज माय ईयर थ्री यहां से लेके यहां तक मेरा ईयर थ्री है ईयर थ्री के एंड पे मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ नाउ ईयर थ्री बिकम्स माय करंट ईयर करंट ईयर के सर्विस के बदले में देना क्या है एक सिक्का तो करंट ईयर की सर्विस की कॉस्ट क्या है एक सिक्के के बराबर तो आप ईयर थ्री के एंड में एंट्री पास करोगे करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ पेबल एक सिक्के की आप लाइबिलिटी बुक करोगे अब ईयर थ्री के एंड में मुन्नू को फोन लगाओ तो मुन्नू बोलता है आज की डेट में एक सिक्के की वैल्यू है एक सौ इक्कीस रुपए इयर थ्री के एंड में एक सिक्के की वैल्यू है एक सौ इक्कीस रुपए तो आप क्या करोगे एक सौ इक्कीस से अपना खर्चा लाइबिलिटी बुक करोगे अब हमने करंट सर्विस कॉस्ट बुक कर ली अब इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करते हैं लेट्स सी इंटरेस्ट कॉस्ट ईयर थ्री में कैसे बुक होगा एक बार पहले थोड़ा सा रिकैप लेते हैं ईयर वन के एंड तक टोटल लाइबिलिटी कितनी मंडरा रही थी एम्प्लॉयर के सर पे एक सिक्के की ईयर थ्री ईयर टू के एंड पे टोटल लाइबिलिटी कितनी मंडरा रही थी एम्प्लॉयर के सर पे दो सिक्कों की ईयर थ्री के एंड पे टोटल लाइबिलिटी कितनी मंडरा रही है एम्प्लॉयर के सर पे तीन सिक्कों की अब ईयर न के एंड पे आपकी टोटल लाइबिलिटी कितने की आनी चाहिए एक सिक्के एक सिक्के सिक्के के बराबर की वैल्यू सौ रुपए तो आपकी टोटल लाइबिलिटी सौ की आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सौ की लाइबिलिटी आ रही थी आपकी इस एंट्री पास करने से इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट की जरूरत नहीं थी यहाँ पे हमने इंटरेस्ट कॉस्ट बुक नहीं किया था ईयर वन में इंटरेस्ट कॉस्ट कभी बुक ही नहीं होगा अब ईयर टू के एंड में जब हम पहुंचे तो दो सिक्कों की टोटल लाइबिलिटी एम्प्लॉय के सर पे मंडरा रही है दो सिक्कों की और एक सिक्के की वैल्यू है एक तो आपकी बुक्स में इतनी लाइबिलिटी आनी चाहिए ईयर वन के लिए 110 और ईयर टू के लिए 110 सौ दस टू के लिए तो मैंने 110 की लाइबिलिटी बुक की करंट सर्विस कॉस्ट के माध्यम से पर ईयर वन की लाइबिलिटी क्योंकि कम आ रही थी ईयर वन की लाइबिलिटी दस रुपए से कम आ रही थी तो उसको मैंने दस रुपए से बढ़ाया इंटरेस्ट कॉस्ट बुक करके ईयर इन की लाइबिलिटी यहाँ पे सौ की बुक की थी तो यहाँ पे दस रुपए से बढ़ाई इसको इंटरेस्ट कॉस्ट बुक करके अब ईयर थ्री के एंड पे एम्प्लॉयर के सर पे मंडराती हुई लाइबिलिटी तीन सिक्कों की है तो ईयर थ्री के एंड पे एम्प्लॉयर की बुक्स में लाइबिलिटी कितनी आनी चाहिए ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर वन के लिए एक सिक्के की लाइबिलिटी आनी चाहिए एक सिक्के की वैल्यू है एक सौ इक्कीस इयर टू के लिए एक सौ इक्कीस की लाइबिलिटी आनी चाहिए और ईयर थ्री के लिए एक सौ इक्कीस की लाइबिलिटी आनी चाहिए क्योंकि हर साल के लिए एक सिक्का देना है अब आ कितनी रही है लाइबिलिटी आपकी बुक्स में एम्प्लॉयर की बुक्स में लाइबिलिटी आ कितनी रही है अगर आप यहाँ से देखोगे तो ईयर टू के एंड तक आपने लाइबिलिटी कितनी बुक कर रखी थी ईयर वन के लिए 110 की ईयर टू के लिए 110 की और ईयर थ्री के लिए अभी अभी मैंने करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ पेबल की एंट्री पास की है एक तो यहां तक की एंट्रीज अब पास हो चुके हैं तो इसका मतलब ईयर थ्री तो फिट एंड फाइन है इसके लिए मुझे कुछ और नहीं करना ईयर थ्री की लाइबिलिटी तो करेक्ट आ रही है लाइबिलिटी जो गलत आ रही है वो है ईयर वन और ईयर टू की कम आ रही है ईयर वन और ईयर टू की लाइबिलिटी इसको बढ़ाना पड़ेगा ईयर वन की लाइबिलिटी आप बढ़ाओगे ग्यारह से और ईयर टू की लाइबिलिटी आप बढ़ाओगे ग्यारह रुपए से तो इस इस 11 प्लस ग्यारह रूपए से आपको, के एंट्री पास आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी रुपए से अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं और ईयर टू के लिए ग्यारह रुपए से अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं ठीक है अगर आप अपनी जर्नल और प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे कैसा दिख रहा है तो ईयर थ्री में आपने एंट्री पास की सीएससी टू डीबीओ पेबल एक फिर आपने पास किया इंटरेस्ट कॉस्ट टू डीबीओ पेबल ग्यारह ईयर वन की लाइबिलिटी ग्यारह से बढ़ाई ईयर टू की लाइबिलिटी ग्यारह से बढ़ाई और पीएनएल में आपका करंट सर्विस कॉस्ट दिखेगा एक सौ इक्कीस का और इंटरेस्ट कॉस्ट दिखेगा ग्यारह प्लस ग्यारह रुपए का दिस इज माई पी एन एल उसके बाद आपकी लाइबिलिटी शीट कैसी दिखेगी ओपनिंग लाइबिलिटी दो सौ बीस की आ रही थी उसमें करंट सर्विस कॉस्ट भी जोड़ दी इंटरेस्ट कॉस्ट भी जोड़ दी तो क्लोजिंग लाइबिलिटी अब तीन सौ तिरसठ की आ रही है जो बिल्कुल ठीक है ईयर थ्री के एंड पे इंप्लॉय के सर पे मंडराती हुई लाइबिलिटी तीन सौ तिरसठ की होनी चाहिए तीन सिक्कों के बराबर एक सौ इक्कीस प्लस एक सौ इक्कीस प्लस एक सौ इक्कीस तीन सौ तिरसठ की लाइबिलिटी आनी चाहिए वही आ रही है और एसेंशियली हमने किया क्या है हमने बेसिकली ईयर के एंड पे जो लाइबिलिटी आती है इंटरेस्ट कॉस्ट के माध्यम से हमने करने की क्या कोशिश की है ईयर टू के एंड पे जो ये लाइबिलिटी आ रही थी उसको खींच के ईयर थ्री के एंड की वैल्यू पे लेके आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों सिक्के ईयर टू की वैल्यू पे बुक्ड हैं अब हम एक साल आगे आ आगे हैं वक्त में वक्त एक साल आगे बढ़ गया गोल्ड की वैल्यू से बढ़ गई है तो आपने अपनी इस ईयर टू के एंड की लाइबिलिटी को बढ़ाया है अब इस पूरे डिस्कशन से कुछ कॉन्क्लूजन निकालते हैं पहला कंक्लूजन कि आप हर साल के एंड में सबसे पहले तो करंट सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं आप पहले साल के एंड में बुक करोगे करंट सर्विस कॉस्ट और वो कैसे बुक करोगे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आप प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में अपनी करंट सर्विस कॉस्ट बुक करते हो क्योंकि हमने क्या बोला था हम ईयर वन के एंड पे अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे एक गोल्ड के सिक्के की वैल्यू सौ रुपए है और जब एक्चुअल में पेमेंट होनी है शांति को उस दिन एक सिक्के की वैल्यू 121 एक होगी तो दिस इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू टू इयर्स लेटर दिस इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू टू ईयर लेटर जिसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में बुक किया है तो करंट सर्विस कॉस्ट का खर्चा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में बुक किया जाता है जब आप ईयर टू पे पहुंचे तो आपने दो खर्चे बुक किए करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट करंट सर्विस कॉस्ट अगेन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में बुक की थी क्योंकि आपने बोला मैं यहाँ पे खड़ा होकर अकाउंटिंग कर रहा हूं और मुझे एक्चुअल में शांति को पेमेंट यहाँ पे करनी है जहां पे गोल्ड कॉइन की वैल्यू 121 होगी दैट्स होगी वन ईयर लेटर की फ्यूचर वैल्यू बट आपने बोला आज की वैल्यू बताओ और आज की वैल्यू के टर्म्स में अपनी अकाउंटिंग करी ऐसे ईयर थ्री में करंट सर्विस कॉस्ट कैसे बुक की थी आपने ईयर थ्री के एंड पे खड़े होकर देखा कि आज की वैल्यू कितनी है सिक्के की यानी कि प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आपने अकाउंटिंग की थी फर्क बस इतना है कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू बराबर हो जाते हैं क्योंकि जिस दिन पेमेंट करनी है वो भी आज ही का दिन है और जिस दिन खर्चा बुक कर रही थ्री का वो भी आज ही का दिन है तो आज ही के दिन पे मैंने खर्चा लाइविटी बुक किया और आज ही के दिन पेमेंट भी हो जाएगी तो एक के कॉइन की आपने लाइबिलिटी बुक की थी पर करंट सर्विस कॉस्ट बुक कैसे होती है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन निकालते हैं पहली बात तो करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट के अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं क्योंकि करंट सर्विस कॉस्ट करंट ईयर के सर्विस की कॉस्ट होती है काम करने के बदले में जो देना है उसके लिए जो कॉस्ट हम बुक कर रहे हैं यानी कि हर साल एक एक सिक्का जो आप बुक कर रहे हो एक एक सिक्के की लाइबिलिटी दैट्स माय करंट सर्विस कॉस्ट वर्सेस इंटरेस्ट कॉस्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से आप खर्चा बुक करो कि एक साल फॉरवर्ड आ गए वक्त में, तो की वैल्यू बढ़ गई और इस वजह से आप खर्चा बुक कर रहे हो तो दैट्स इंटरेस्ट कॉस्ट पहली बात तो ये होगी दूसरी बात इंटरेस्ट कॉस्ट ओपनिंग लाइबिलिटी पे कैलकुलेट किया जाता है अगर आप देखोगे ईयर वन को छोड़ो ईयर टू की बात करते हैं ईयर टू में इंटरेस्ट कॉस्ट पहली बार चार्ज हुई थी और वो किस पे चार्ज हुई थी ईयर के एंड की पे आपने चार्ज की थी ईयर वन के एंड पे जो लाइबिलिटी आ रही थी उस पे आपने इंटरेस्ट कॉस्ट लगाई थी सौ का दस परसेंट की इस लाइबिलिटी को बढ़ाओ इस लाइबिलिटी को दस परसेंट से आपने बढ़ाया था ईयर वन एंड वाली लाइबिलिटी को और ईयर वन एंड एक साल खत्म थर्टी फर्स्टर टू थाउंड टू को ईयर टू शुरू टाइम आप ईयर वन एंड बोल दो या ईयर टू बिगनिंग बोल दो एक ही बात है तो टेक्निकली हमने क्या किया ओपनिंग लाइबिलिटी को बढ़ाया है ओपनिंग लाइविटी पे इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज किया है ये बात आप इी से भी वेरीफाई कर सकते हो जब हमने ईयर थ्री में इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज की थी तो वो किस, -किस के लिए चार्ज की थी

ओपनिंग लाइबिलिटी लगाई जाती है ओपनिंग लाइब्रेटी को खींच के ईयर एंड की वैल्यू पे लाया जाता है इसीलिए ईयर वन में कोई आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं थी किसको खींच के लाओगे पिछले साल के एंड में कोई लाइबिलिटी चार्ज नहीं हुई थी तो कोई लाइबिलिटी थी नहीं खींच के लाने के लिए तीसरी बात क्या है कि इंटरेस्ट कॉस्ट को डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप अब सीधा सीधा ओपनिंग लाइब्रेट में रेट मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी लेट्स वेरीफाई हमारे केस में रेट था दस परसेंट से गोल्ड ग्रो करा था सो रेट इज दस परसेंट तो अगर मैं ओपनिंग लाइब्रेटरी में दस परसेंट मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो जीरो है इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो आई यहाँ पे ओपनिंग लाइब्रिटी कितनी है ईयर टू की स्टार्टिंग में सौ रुपए इसका दस परसेंट मल्टीप्लाई करोगे तो दस रुपये का आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया यहाँ पे ओपनिंग लाइव्रिटी कितना है दो सौ बीस इसका दस परसेंट मल्टीप्लाई करोगे तो बाईस रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया सो so, ओपनिंग लाइविटी में रेट मल्टीप्लाई करते ही आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट की फिगर आ जाती है क्योंकि हुआ क्या ये एक बार समझ लेते हैं जब ईयर टू की बिगनिंग में सौ रुपए लाइबिलिटी थी ना, उसको दस परसेंट से बढ़ाना था इसलिए दस परसेंट से मल्टीप्लाई किया इंटरेस्ट कॉस्ट निकली दस रुपए और दस रुपए से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड गोल्डेंट से बढ़ गया है हम जीवन में एक साल आगे आ आगे इसलिए दस परसेंट से इस लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो बस इस लाइबिलिटी को दस परसेंट से मल्टीप्लाई किया इंटरेस्ट कॉस्ट आपके सामने है इंटरेस्ट कॉस्ट टू डीबीओ की एंट्री पास करो और आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट चार्जों की बात खत्म तो करंट सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट डी डीबीओ पेबल इन सबके एंट्रीज कैसे पास होती है अमाउंट कैसे बुक होता है पीएनएल कैसा दिखेगा लाइबिलिटी शीट कैसे दिखेगी ये सारी चीज़ें हमने सीखी अब अपने डिस्कशन को फॉरवर्ड लेके चलते हैं और अब इसी क्वेश्चन को मनी के टर्म्स में सॉल्व करके देखते हैं अब चल रहे हैं आगे एग्जांपल नंबर थ्री पे एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमने क्या बोला है कि शांति को यहाँ पे हायर किया फर्स्ट अप्रैल 2023 को तीन साल वो हमारे यहाँ पे काम करेगी तीन साल के एंड में हम उसको थ्री सिक्सटी थ्री रुपीज देंगे तो ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान है क्योंकि बेनिफिट डिफाइंड है कि रिटायरमेंट पे आपको थ्री सिक्सटी थ्री रुपीज मिलेंगे अब इसके अकाउंटिंग करने के लिए स्टेप नंबर वन होता है पहले टोटल बेनिफिट आइडेंटिफाई करो टोटल बेनिफिट क्या देना रिटायरमेंट पे थ्री सिक्सटी थ्री रुपीज स्टेप नंबर टू क्या होगा इस बेनिफिट को नंबर ऑफ ईयर से बांट दो यानी कि तीन साल की सर्विस के लिए थ्री सिक्सटी थ्री रुपीज दे रहे हो तो हर साल की सर्विस के लिए एक सौ इक्कीस रुपए दोगे तो थ्री सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री हर साल की सर्विस का बेनिफिट आ गया 121, 121, 121 पहले साल की सर्विस के लिए 121 दोगे, दूसरे साल की सर्विस के लिए 121 दोगे तीसरे साल की सर्विस के लिए वन ट्वेंटी वन दोगे अब अकाउंटिंग कैसे होगी ईयर वन के एंड पे आप बुक करोगे करंट सर्विस कॉस्ट करंट ईयर के सर्विस की कॉस्ट जब पहले साल में शांति काम कर लेगी पहले साल में शांति काम कर लेगी आपको यहाँ पे बुक करनी है करंट सर्विस कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर की सर्विसेज पहले साल की सर्विसेज के लिए आप बुक करोगे करंट सर्विस कॉस्ट अब पहले साल की सर्विसेज के लिए देना क्या है आपने पहले साल की सर्विसेज के लिए यहाँ पे ईयर थ्री के एंड पे पे करना है वन ट्वेंटी वन ईयर थ्री के एंड पे आप दोगे वन ट्वेंटी वन रुपीज और हम कहां खड़े होकर अकाउंटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे खड़े होकर अकाउंटिंग करें अगर मैं इसको डेट्स डाल दू यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री को शांति को हायर किया था तो वो जीरो हो गया जीरो पीरियड वन ईयर वन का एंड कहाँ पे हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ईयर टू का एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और ईयर थ्री का एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तो अब मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ यहाँ पे खड़े होके थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को यानी कि ईयर वन के एंड पे और शांति को पेमेंट होना है यहाँ पे वन ट्वेंटी वन का ईयर वन की सर्विसेज के लिए एक सौ इक्कीस रुपए देने यहाँ पे कब थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स को यानी कि कितने साल बाद ये पेमेंट होना है दो साल बाद एक दो, दो साल बाद ये पेमेंट होना है आपको टाइमलाइन पे नजर आ रहा है हम यहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हो गए रहे हैं, पेमेंट यहां पे होनी है यानी कि इत, इन दोनों के बीच में कितना टाइम का गैप है दो साल का गैप है तो अगर ये जो अमाउंट है ये दो साल बाद देना है तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूचर वैल्यू है 121 हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे इतना टाइम इसीलिए लगाया था ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सके सोच सके उस बारे में कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है कि आज के सौरपे कल के सौ रुपए के बराबर नहीं होते यानी कि आज के सौ रुपये एक साल बाद के सौ रुपए नहीं होते वैल्यू बदल जाती है क्योंकि वक्त बदलता है तो टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू बदलती है तो अगर दो साल बाद आपको बता रखी है वैल्यू एक सौ इक्कीस है सो दिस इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू टू ईयर्स लेटर ये फ्यूचर वैल्यू है दो साल बाद की आपको एक सौ इक्कीस आज की वैल्यू पे, पे, तो पे, पे मैं यहाँ पे खड़े होके अकाउंटिंग कर रही हूँ तो यहाँ की मुझे प्रेजेंट वैल्यू जाननी है तो हम कैसे बुक करेंगे see, अगर आपको बता रखी है एक सौ इक्कीस टाइम बता रखा है दो साल और रेट रेट आपको टॉप पे बता रखा है एग्जाम्पल में अगर आप टॉप पे पढ़ोगे तो रेट है दस परसेंट रेट हमें दिया होगा क्वेश्चन में दस परसेंट का रेट बता रखा है तो अगर रेट दस परसेंट है टाइम दो साल है फ्यूचर वैल्यू एक सौ इक्कीस है तो प्रेजेंट वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं हमने ये फॉर्मला बहुत अच्छे से सीखा था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस रेट टू दी पार्ट टाइम फ्यूचर वैल्यू वन ट्वेंटी वन है प्रेजेंट वैल्यू पता नहीं रेट पता है दस परसेंट टाइम पता है दो साल इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी सौ रुपये की अब ये जो सौ रुपये है ये क्या निकला है हमने ये बोला शांति ने इस पीरियड के दौरान सर्विसेज रेंडर की हम ईयर वन के एंड में खड़े हैं और हम बोल रहे हैं कि इस पीरियड के बदले में शांति को एक सौ इक्कीस रुपए देने, है, पर देने है? हैं पर कब देने ईयर थ्री के एंड में यानी कि अगर मैं यहां खड़ी हूं आज से दो साल बाद ये पेमेंट होनी है फ्यूचर वैल्यू इज वन ट्वेंटी वन टाइम इज टू इंस रेट इज टेन परसेंट तो वैल्यू बताओ तो प्रेजेंट वैल्यू निकली सौ रुपए यानी कि ईयर वन की करंट सर्विस कॉस्ट निकली है सौ रुपए की तो आप एंट्री कैसे पास करोगे एंट्री हो जाएगी जर्नल एंट्री देखो ईयर वन में जर्नल एंट्री क्या पास होगी करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ पेबल सौ रुपए अब अगर इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करें इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बुक होगी इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो बुक होगी क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट बुक कैसे की जाती है ओपनिंग लाइविलिटी इन रेट आप रेट को मल्टीप्लाई करते हो ओपनिंग लाइबिलिटी से ओपनिंग लाइविलिटी जीरो है ईयर वन की बिगनिंग में इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट भी जीरो है पर ओपनिंग लाइविलिटी जीरो क्यों है

पहला साल का इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आप करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों चार्ज करते हो सौ रुपए की करंट सर्विस कॉस्ट जीरो की इंटरेस्ट कॉस्ट और लाइबिलिटी शीट कैसी दिखेगी हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी जीरो होगी ईयर वन के बिगनिंग में आप करंट सर्विस कॉस्ट सौ की चार्ज करोगे इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो तो क्लोजिंग लाइबिलिटी बनेगी सौ रुपए की और ये चली जाएगी बैलेंस शीट में अब ये जो सौ रुपए अगले साल की ईयर टू की ओपनिंग लाइबिलिटी बनेगी और ईयर टू के खर्चे कैसे बुक होंगे उस पर बात करते हैं अब ईयर टू को देखो लेट सी ईयर टू में कैसे चार्ज करेंगे हम खर्चा दिस इज माई ईयर टू शांति ने कहा से कहा तक सर्विसेज रेंडर किया इस पीरियड के दौरान दिस इज दिस इज माई ईयर टू अब मैं कहाँ खड़ी हूं मैं यहाँ पे खड़े होके करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रही हूँ ईयर टू की सर्विसज की कॉस्ट कितनी है आपने ईयर टू की सर्विसेज के बदले में शांति को एक सौ इक्कीस रुपए देने हैं पर देने यहाँ पे है यानी कि एक साल बाद अगर मैं ईयर टू के एंड पे खड़ी हूँ दिस इज थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मैं ईयर टू के एंड पे खड़ी हूँ और ये पेमेंट होनी है एक साल बाद तो यानी कि 121 ट्वेंटी वन इज नथिंग बट माई फ्यूचर वैल्यू वन ईयर लेटर तो आज की वैल्यू कितनी है सो लेट्स सी करंट सर्विस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे 121 देना है एक साल बाद आज की वैल्यू कितनी है फ्यूचर वैल्यू 121 है टाइम एक साल है रेट 10 परसेंट है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो हमें पता है ये फॉर्मुला फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस रेट पॉइंट वन जीरो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आजगी एक सौ तो इसका मतलब ईयर टू में जर्नल एंट्री क्या पास होगी करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ पेबल एक अब ईयर टू के एंड में इंटरेस्ट कॉस्ट भी चार्ज होगी आप अपनी लाइबिलिटी शीट पर जाओ और देखो क्या कोई ओपनिंग लाइबिलिटी आ रही है बिल्कुल आ रही है ईयर टू के बिगनिंग में ओपनिंग लाइबिलिटी आ रही है सौ रुपए की तो इस सौ रुपए को उठाओ रेट से मल्टीप्लाई करो दस परसेंट तो आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा दस रुपए का तो अब दस रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट

ईयर थ्री की करंट सर्विस कॉस्ट कितनी होगी नाउ ईयर थ्री इज माय करंट ईयर करंट ईयर की सर्विसेज के बदले में एक सौ देना है शांति को पर कब देना है आज ही देना है आज ही वो दिन है जब सारे तीनों सालों की पेमेंट भी होनी है तो इसका मतलब ईयर थ्री वाला वन आज ही पे हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू एक सौ इक्कीस रुपये टाइम जीरो ईयर्स है आज ही पेमेंट हो जाएगी रेट दस परसेंट है तो प्रेजेंट वैल्यू कितना तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें निकालनी है वन ट्वेंटी वन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस रेट टू दि पार जीरो अगर पावर में जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये वन हो गया ये ब्रैकेट का पूरा वैल्यू वन हो गया तो so, 121 इज माय प्रेजेंट वैल्यू तो जिस दिन जब लास्ट डे है ना थर्ड ईयर के एंड में अब प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में कोई फर्क नहीं रह गया क्योंकि आज ही पेमेंट हो जाएगी और आज ही मैं लास्ट ईयर की सर्विसेज का खर्चा भी बुक कर रही हूँ तो अब 121 की प्रेजेंट वैल्यू आई है यानी कि ईयर थ्री में करंट सर्विस कॉस्ट जब आप जर्नल एंट्री बुक करोगे तो करंट सर्विस कॉस्ट कितने की बुक करोगे करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ पेबल वन और इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बुक होगा इंटरेस्ट कॉस्ट बुक होगा ओपनिंग लाइबिलिटी पे दस मल्टीप्लाई करके सो लेट सी लाइबिलिटी शीट में हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी आ रही है लाइब्रेटी शीट में ओपनिंग लाइब्रेरी 210 की आ रही है सॉरी ये गलत टाइप हो गया है दिस इज 220 ओपनिंग लाइब्रेटी मेरी 220 की है 220 पे आप 10 परसेंट मल्टीप्लाई करोगे तो बाईस रुपए की आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट निकल के आएगी ठीक है ना तो मैं इंटरेस्ट कॉस्ट बुक करूंगी इंटरेस्ट कॉस्ट टू डी पेबल बाईस और आपका पी कैसा दिखेगा पी एन ईयर थ्री का कैसा दिखेगा करंट सर्विस कॉस्ट एक सौ इक्कीस बाईस रुपये की इंटरेस्ट कॉस्ट और लाइब्रिलिटी शीट कैसी दिखेगी ओपनिंग लाइब्रिटी आपकी आ रही होगी दो सौ बीस की मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से 220 की ओपनिंग लाइबिलिटी आ रही होगी उसमें 121 ऐड होगा करंट सर्विस कॉस्ट बाईस रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट और क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाएगी 363 की तो यहां तक का डिस्कशन कंप्लीट हो गया कि हमने देख लिया करंट सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट की जर्नल एंट्री कैसे होती है पीएनएल में कैसे हम इन दोनों को चार्ज करते हैं और आपकी लाइबिलिटी शीट कैसे बनती है अब ये जो क्लोजिंग डीबीओ है ये बैलेंस शीट में जाता है और ये एक्चुअली में क्या है दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ एज एट द बैलेंस शीट डेट तो अब अगर आप ये लाइन वेरीफाई करना चाहते हो तो अपने दिमाग में गोल्ड वाला एग्जाम्पल चलाओ ईयर वन के एंड तक एम्प्लॉयर के सर पर मंडराती हुई लाइबिलिटी थी कितने की एक सिक्के की यानी कि हम क्या दिखा रहे हैं लाइबिलिटी एज एट द बैलेंस शीट डेट ईयर टू के एंड पे एम्प्लॉयर के सर पे मंडराती हुई लाइबिलिटी थी दो सिक्कों की तो हम दिखा रहे हैं लाइबिलिटी एज एट द बैलेंस शीट डेट जितनी बैलेंस शीट डेट तक अक्रू हो गए लाइबिलिटी उतनी दिखा रहे हैं आज दिन तक जितनी लाइबिलिटी अक्रू हो गई टिल द बैलेंस शीट डेट वो हम दिखा रहे हैं ईयर थ्री के एंड पे मंडराती हुई लाइबिलिटी थी तीन सिक्कों की इसलिए हम तीन सिक्कों की लाइबिलिटी दिखा दे तो ये लाइन ये बात तो सही है कि जितनी लाइबिलिटी बैलेंस शीट डेट तक अक्रू हो गई है उतनी हम दिखाते हैं और प्रेजेंट वैल्यू क्यों क्योंकि हमने तो बुक ही प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में किया था हमने बोला था ईयर के एंड पे मुन्नू को फोन करो तो वो कहता है सौ का सिक्का इसलिए हमने सौ पे बुक किया था ईयर टू के एंड पे बोलो फोन करो उसको मुन्नू को तो वो बोलता है एक का सिक्का हो गया तो इसलिए हमने एक सौ प्लस एक पे अपनी लाइबिलिटी दिखाई थी ईयर थ्री के एंड में मुन्नू को फोन करो तो वो बोलता है एक का सिक्का हो गया तो हमने एक सौ इक्कीस प्लस एक प्लस एक सौ अपनी लाइबिलिटी दिखाई थी यानी कि हमने प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में अपनी लाइबिलिटी दिखाई है तो यहाँ पे

डिफाइंड बेनिफिट प्लान में हमने बोला बेनिफिट डिफाइन कर दिया जाता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे आपको क्या दिया जाएगा एक एग्जाम्पल हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने बोला ग्रेचुअटी देंगे ऑफ ऑफ फाइनल सैलरी ऑन रिटायरमेंट फॉर ईच ईयर कंप्लीटेड सर्विस यानी कि जब एम्प्लॉय रिटायर होगा वहां पे उसकी जितनी सैलरी चल रही होगी उसका वन परसेंट देंगे फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस जितने साल वो काम करेगा उतने साल के लिए हम उसको ग्रेचुटी देंगे और हर साल के लिए कितनी ग्रेचुअटी देंगे वन ऑफ फाइनल सैलरी अब इस वाले फॉर्मूला में देखो कितनी सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क है रिटायरमेंट के टाइम पे फाइनल सैलरी क्या होगी हमें क्या पता क्या फाइनल सैलरी होगी हो सकता है एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट हर साल तीस परसेंट पे हो कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है हो सकता है वो बहुत पुअर परफॉर्मर निकले और उसके इंक्रीमेंट पाँच परसेंट के हिसाब से हो अब कैसे पता चलेगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी सैलरी क्या होगी दूसरी बात एम्प्लॉय रुकने भी वाले रिटायरमेंट तक आज से 20 साल बाद उसका रिटायरमेंट आज एम्प्लॉय 40 का है 60 पे रिटायरमेंट है क्या वो रुकेगा रिटायरमेंट तक कैसे पता चलेगा कि वो रुकेगा भी या नहीं रिटायरमेंट तक और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान के एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि जो जो एम्प्लॉय बीस साल सर्व करेगा कंपनी के साथ उसको पच्चीस लाख रुपए देंगे कौन कौन सर्व करेगा बीस साल कैसे पता चलेगा अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान में ना ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं बहुत सारी चीजें अननोन होती है हम ऐसे सोच रहे हैं ओ माई गॉड कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा अकाउंटिंग हमें करनी है ने हमारे सर पे डंडा डाल रखे कि अकाउंटिंग करो अब कैसे करें इतनी सारी चीजें तो समझ में ही नहीं आ रही सो मेनी थिंग्स आर अननोन हम कहाँ खड़े हैं देखो यहाँ पे शांति ने सर्विस रेंडर की हम यहाँ पे खड़े होकर अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी शांति की बीस साल की सर्विस पड़ी है यहाँ पे वो रिटायर होगी तो हम खड़े हैं टाइम लाइन पे बेनिफिट पे होना है रिटायरमेंट पे और रिटायरमेंट पे कितना बेनिफिट देना है जितनी उसकी उस समय की सैलरी होगी उसका कुछ परसेंटेज देना है परसेंटेज चलो फिर भी डिफाइंड है एक परसेंट कर दिया बट उस समय उसकी सैलरी कितनी होगी कितनी सारी चीजें अननोन है रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी क्या होगी वो रुकेगा भी या नहीं नई रिटायरमेंट तक ऐसे और बहुत सारी की ड्यूरिंग द सर्विस ही एम्प्लॉय डिसेबल हो गया तो डेथ हो गई एम्प्लॉय की तो बहुत सारी चीजें एक क्वेश्चन मार्क होती है सो मेनी थिंग्स आर अननोन हम सर खुजा रहे हैं कि ये सब कैसे पता चलेगा क्या करना तो तभी उड़ता हुआ आसमान से हमारा सुपर हीरो आएगा मिस्टर एक्चुअली और वो बोलेगा वाई वादी आई कम आई हेल्प फिर वो हमें सारी एजम्पन्स बताएगा कि आप क्या मानो डिस्काउंट रेट क्या मानो आप सैलरी का इंक्रीमेंट क्या मानो कितना एम्प्लॉय टर्न रेट होगा अर्ली रिटायरमेंट रेट क्या होगा मोर्टैलिटी रेट क्या होगा ये सारी चीजें एक्चुअली हमें बताएगा वो एक्चुअल साइंसिस में ट्रेंड होते हैं और वो मैथमेटिक्स वगैरह कैलकुलेशन पास ट्रेंड सब कुछ स्टडी करके हमें कुछ रेट्स बताएंगे एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि उतने ही रेट पे सैलरी का इंक्रीमेंट होगा एम्प्लॉय का बट वो एजम्पन्स लगाएंगे और हम उन एजम्पन्स के बेस पे अपनी अकाउंटिंग करेंगे एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता फ्यूचर में क्या होने वाला है पर पास्ट ट्रेंड्स के बेस पे कुछ एजम्पन्स एक्चुअली हमें बताएगा और उस बेसिस पे हम अपनी लाइबिलिटी की बुकिंग करेंगे तो दो तरह के एक्चुअल एजम्पन्स होती हैं डेमोग्राफिक एंड फाइनेंशियल डेमोग्राफिक का मतलब ह्यूमन ंग से रिलेटेड एम्प्लॉज से रिलेटेड कि कितना टर्न ओवर रेट रहेगा कितने लोग छोड़ के चले जाएंगे अर्ली रिटायरमेंट का क्या रेट रहेगा मोर्टेलिटी रेट का क्या रेट रहेगा तो डेमोग्राफिक मतलब एम्प्लॉई से रिलेटेड सारी एजम्पन्स और फाइनेंशियल मतलब नंबर्स से रिलेटेड कि डिस्काउंट रेट सैलरी लेवल इन्फ्लेशन रेट्स क्या रहेंगे तो ये सब होती है एक्चुअल एजम्पन्स ठीक है तो वो हमें बता देगा हमें ये सब नहीं सोचना एक्चुअली की अपनी साइंसेस लगा के वो ये सारी चीजें हमें बताएगा अब चलते हैं आईसीआई के क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन नंबर वन रीड कर रहे हैं के डिफाइंड बेनिफिट प्लान का पहला क्वेश्चन है स्टडी मैट का क्वेश्चन है एन एम्प्लॉई रोशन हैज जॉइंड द कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड इन द ईयर 2001 2001 में उसने ज्वाइन किया है एनुअल इमोल्यूमेंट्स ऑफ रोशन इज डिसाइडेड एट 149210 यानी कि उसकी साल भर की सैलरी कितनी है 149210 द कंपनी आल्सो हैज अ पॉलिसी ऑफ गिविंग अ लमसम पेमेंट कितना लमसम पेमेंट देंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द लास्ट ऑन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इफ द एम्प्लॉय रिटायर्स आफ्टर कम्प्लीटिंग मिनिमम फाइव इयर्स ऑफ सर्विस तो वो कह रहा है अगर एम्प्लॉय ने पांच साल सर्व कर दिया ना मिनिमम पांच साल सर्व कर दिया तो उसको क्या देंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी की जब भी वो छोड़ के जा रहा होगा तब जितने उसकी सैलरी होगी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अब पांच साल करना कंपलसरी है कि पांच साल करोगे तब आप एलिजिबल हो गए अब एक्चुअल में उसने अगर दस साल बाद छोड़ा तो उसको दस साल की सर्विस के लिए देंगे मिनिमम पांच साल सर्व करना है उसके बाद आप जितने भी साल सर्व करके छोड़ोगे आपको पच्चीस सैलरी इन नंबर ऑफ ईय ऑफ सर्विस देंगे ही देंगे नेक्स्ट है द सैलरी ऑफ रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट टेन परसेंट पर एनम अब ये किसने बताया होगा ये हमारे सुपर हीरो एक्चुअली ने बताया कि मान लो कि उसकी सैलरी दस परसेंट से ग्रो करेगी आगे क्या कह रहे हैं द कंपनी हैज इंडक्टेड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि टू थाउजेंड वन की स्टार्टिंग में ही उसको इंडक्ट किया था रखा था जॉब पे एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट हीट अफ फाइव इर्म बिफोर रिटायरिंग यानी कि पांच साल के बाद वो रिटायर होगा तो पांच साल की हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी दस ही विल गेट फाइव ईयरली इंक्रीमेंट इस पर अभी बात करते हैं फाइव ईयरली इंक्रीमेंट का क्या मतलब है वट इज दमाउंट द कंपनी शुड चार्ज इन इट्स पी एन एल एवरी ईयर एज द कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑप्लिकेशन ऑल्सो कैलकुलेट करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज पर ईयर उंट रेट ऑफ एट परसेंट ये भी ने बताया होगा पीवी फैक्टर फॉर एट परसेंटेज पॉइंट पॉइंट सेवन थ्री फाइव ठीक है ये हमें PV factor दे रखे हैं। पहली बात क्या डिफाइंड बेनिफिट प्लान है बिल्कुल उन्होंने बोला है पांच साल काम करोगे तो पांच साल के एंड पे आपको एक लमसम अमाउंट देंगे तो है तो ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्योंकि बेनिफिट डिफाइंड कर दिया साल काम करोगे तो साल के आपको इतना बेनिफिट देंगे और वो बेनिफिट का का है? देखो फॉर्मूला क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस ये हमारा फॉर्मूला है अब जो हमने शांति वाले एग्जाम्पल्स देखे थे ना उसमें हमें बता रखा था कि टोटल अमाउंट 363 है फिर हमने उसको बांटना शुरू कर दिया इन द इयर्स ऑफ सर्विस यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट बता नहीं रखा पहले ये फिगर आउट कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट क्या है फिर उसके बाद उसको बांट देंगे नंबर ऑफ ऑफ इयर्स सर्विस और तब बात आएगी करंट सर्विस में उसने बता रखे हैं कि पांच साल काम करेगा तो अब एक ही चीज बच गई है जो मिसिंग है विच इज लास्ट ड्रॉन सैलरी ये ही हमारी मिसिंग है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी तो पहले लास्ट ड्रॉन सैलरी कैलकुलेट करो उससे आपको पता चलेगा टोटल बेनिफिट कितना है फिर आप उसको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस में बांटो यानी कि पाँच साल में फिर आप बुक करो करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट नाउ लेट्स कैलकुलेट आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी होगी इसके लिए इसको समझने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एप्लीकेशन समझना पड़ेगा सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल मैंने आज कहीं पे जॉब ज्वाइन की साल भर की मेरी सैलरी है सौ रुपए की एक साल मैंने काम किया मुझे दस परसेंट का इंक्रीमेंट मिला तो एक साल के बाद मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी एक सौ दस हो जाएगी सौ में दस परसेंट मेरी बढ़ जाएगी सैलरी अब अगर मैंने एक और साल काम किया तो ईयर टू के एंड में मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी दस परसेंट से फिर से बढ़ जाएगी तो अब दस परसेंट ऑफ वर्ट सौ रुपये या एक सौ दस रुपये मेरे को इंक्रीमेंट कितना मिलेगा एक सौ दस पे इंक्रीमेंट मिलेगा ना ईयर वन के एंड तक जितनी सैलरी हो गई अब नेक्स्ट ईयर तो मुझे इस एक सौ दस पे इंक्रीमेंट मिलेगा यानी कि मेरी अगले साल सैलरी हो जाएगी एक सौ दस प्लस एक सौ दस का दस परसेंट एक सौ दस का दस परसेंट मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा यानी कि मेरी ईयर टू के एंड पे सैलरी हो जाएगी वन ट्वेंटी वन की फिर 3 के एंड पे जब हम पहुंचेंगे तो तब मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी मेरे को दस परसेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा और मेरी सैलरी हो जाएगी वन थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो तो अगर आपको ये याद हो हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्कशन किया था वहां पे हमने क्या बोला था कि सौ रुपए को दस परसेंट पे इन्वेस्ट करो तो एक साल बाद एक सौ दस हो जाता है उसके बाद एक सौ इक्कीस हो जाता है उसके बाद वन थर्टी थ्री पॉइंट वन हो जाता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल के एंड का अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है और अगले साल आप इस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है पर यहाँ पे हम सैलरी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सैलरी को दस पे इन्वेस्ट किया ऐसी और भी चीजें होती हैं जैसे आप सैलरी के केस में बोलो या लैंड की वैल्यू के केस में बोल दो या पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री के केस में बोलना चाहो तो वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि 10 परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे बढ़ रहे हैं वो मनी के लिए हम बोलते हैं पर सैलरी लैंड वैल्यू पॉपुलेशन इन सब के लिए हम क्या बोलते हैं इन सब के लिए हम बोलते हैं कि ये चीजें ग्रो कर रही है ग्रोथ रेट है दस का साल दर साल ये चीजें दस से ग्रो कर रही है कुछ भी ग्रोथ रेट हो सकता है तो मान लो लैंड की वैल्यू आज की डेट में सौ रुपए एक साल बाद लैंड की वैल्यू दस परसेंट बढ़ गई तो एक साल के एंड में वो वैल्यू एक सौ दस हो जाएगी उसके बाद सेकेंड ईयर के एंड में वो दस परसेंट और बढ़ गई तो वो एक सौ दस पे पर दस परसेंट का ग्रोथ देखेगी यानी कि अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट वाली एप्लीकेशन है सेम पॉपुलेशन के के केस में बोलूँ की आज की पॉपुलेशन सौ लोगों की है साल दर साल पॉपुलेशन 10 परसेंट से बढ़ रही है तो एक साल बाद पॉपुलेशन 110 हो जाएगी दो साल के एड में 121 हो जाएगी 110 का 10 परसेंट बढ़ जाएगा तो फिर से ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली एप्लीकेशन हो रही है बस हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट ना बोल के ग्रोथ रेट बोल देते हैं फॉर्मुला भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला था अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस रेट टू दी पार्टी यहाँ पे अमाउंट को बोल देंगे वैल्यू फाइनल फाइनल वैल्यू कितनी है बिगनिंग में वैल्यू कितनी थी पी को हमने रिप्लेस कर दिया बिगनिंग वैल्यू से और रेट को हम रिप्लेस कर देंगे ग्रोथ रेट से तो वन प्लस ग्रोथ रेट टू दी पार्ट टाइम तो यानी कि अगर मुझे ढूंढना है तीन साल बाद मेरी सैलरी कितनी अगर आज मेरी जीरो पीरियड पे सैलरी सौ की है मेरी दस परसेंट से सैलरी ग्रो कर रही है और तीन साल मेरी सैलरी ग्रो कर रही है तो मेरी फाइनल सैलरी होगी वन ये कब होगी तीन साल के एंड में मेरी सैलरी होगी अब रोशन वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं रोशन के क्वेश्चन में आपको बताया है कि रोशन पांच साल सर्व करने वाला है ईयर वन ईयर टू इयर थ्री इोर और हमें बोला था ही इज इंडक्टेड एट द बिगनिंग ऑफ ईयर वन एंड ईयर वन के बिगनिंग में सैलरी बता रखी थी फोर्टीन नाइनटी टू वन जीरो जो सैलरी बता रखी है ये बिगनिंग ऑफ ईयर वन में बता रखी है उन्होंने बोला इंडक्टेड एट बिगनिंग ऑफ ईयर वन एंड सैलरी एनुअल सैलरी वॉज फोर्टीन नाइनटी टू वन जीरो यानि की यहाँ पे आपको सैलरी बता रखी है अब जब रोशन एक, एक साल सर्व कर लेगा उसको दस परसेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा फिर दूसरे साल सर्व कर लेगा तो फिर से दस परसेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा तीसरे साल सर्व कर लेड में फिर से दस परसेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा चौथे साल सर्व कर लेगा तो फिर से दस परसेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा पांचवे साल सर्व कर लेगा तो फिर से दस परसेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा और यही बात बोल रही थी कि उसको फाइव ईयरली इंक्रीमेंट मिलेगा यानी कि पांच बार इंक्रीमेंट मिलेगा एक बार दो तो बार तीन तो बार चार बार पांच बार क्योंकि जीरो पीरियड की सैलरी बता रखी है तो उसकी सैलरी पांच बार ग्रो करने वाली है तो आपको क्या करना है आपको अपना वही ग्रोथ रेट वाला फॉर्मला लगाना है जो अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट की ही एप्लीकेशन है तो आप क्या करोगे आप बोलोगे जीरो पे सैलरी आपको बता रखी है पॉइंट ऑफ टाइम जीरो है तो सैलरी बता रखिये फोर्टी नाइनटी अगर पांच साल का टाइम माने दस परसेंट का रेट माने दस परसेंट से सैलरी ग्रो कर रही है तो सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर फाइव कितनी होगी अगर हमें बता रखा है वैल्यू पांच साल बाद ढूंढनी है आज की वैल्यू बता रखिए फोर्टीन नाइनटी टू वन जीरो जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे सैलरी बता रखी है फोर्टीन नाइनटी टू वन जीरो दस परसेंट से ग्रो कर रही है पांच साल ग्रो करेगी तो आपकी फाइनल सैलरी हो जाएगी चौबीस लाख की हमें यह ढूंढनी थी ना लास्ट ड्राउन सैलरी कितनी होगी तो एक्सपेक्टेड लास्ट ड्राउन सैलरी आप ऐसे ढूंढोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मुला के एप्लीकेशन से अब एग्जाम में क्या ये सारी चीजें दिखानी है बिल्कुल भी नहीं ये सारी चीजें आपको दिखाने की जरूरत है आप बस इतना दिखाओ एक्सपेक्टेड लास्ट डॉन सैलरी कितनी होगी और आप ये कैलकुलेशन दिखा दो कि हमने ये फोर्टी नाइनटी टू वन जीरो इंट वन पॉइंट वन रेस्ट टू दी पार फाइव से कैलकुलेट किया अब हमने बोला था जैसे ही हमारे पास लास्ट ड्राउन सैलरी आ जाएगी तो हम इस फॉर्मला में फिट करेंगे और अपना एस्टिमेटेड बेनिफिट निकाल लेंगे तो अब हमारे पास लास्ट ड्राउन सैलरी है तो आप क्या करो फिफ्थ ईयर के एंड में एस्टिमेटेड बेनिफिट निकाल लो कितना होगा या डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं इसको कि कितने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है तो आप क्या करोगे लास्ट डॉन सैलरी इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट इंट नंबर ऑफ इयर ऑफ सर्विस 24 लाख ,00 की लास्ट ड्राउन सैलरी होगी 25 परसेंट उसका uh, 25 परसेंट ऑफ लास्ट डाउन सैलरी देना है पांच सालों के लिए देना है तो तीस लाख रुपए का आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आ गया अगर शांति वाला एग्जांपल याद करोगे तो वहां पे बता रखा था कि शांति को तीन साल के एंड में थ्री सिक्सटी थ्री रुपीज देना यहाँ पे बता नहीं रखा था तो सबसे पहले तो हमने ढूंढा कि पांच साल के एंड में हमने देना क्या है रोशन को तो वो हमने ढूंढ लिया कि हमने रोशन को तीस लाख रुपए देना है तो स्टेप नंबर वन होता है पहले तो आप टोटल बेनिफिट आइडेंटिफाई करो कि टोटल बेनिफिट कितना देना है पांच साल के एंड में जब सर्विस खत्म होगी तो क्या देना है आपने तीस ला, लाख रुपए देना है दिस इज माय टोटल बेनिफिट फिर इसको डिवाइड करो विद द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस तो अगर तीस लाख रुपए देना है पांच सालों की सर्विस के लिए तो हर साल की सर्विस के लिए कितना देना है छह लाख रुपए थर्टी लाख डिवाइड बाय फाइव तो हर साल की सर्विस के लिए देना है छह लाख यानी कि ईयर वन की सर्विस के लिए दोगे छे लाख ईयर टू की सर्विस के लिए दोगे छे लाख ईयर थ्री की सर्विस के लिए दोगे छह लाख ईयर फोर की सर्विस के लिए दोगे छह लाख और ईयर फाइव की सर्विस के लिए भी आप दोगे छे लाख रुपए शांति वाले एक्जाम्पल में क्या था एक बार रिक ले लें हमें बता रखा था थ्री टोटल बेनिफिट देना है फिर हमने क्या किया था उसको तीन सालों में बांट दिया था एक सौ इक्कीस एक सौ इक्कीस एक सौ इक्कीस आया था उसके बाद हमने क्या किया था ईयर वन की फिर करंट सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट ढूंढी थी ऐसे ईयर टू की ढूंढी थी ईयर थ्री की ढूंढी थी हमने जर्नल्स पास करे थे फिर हमने पीएनएल में कितना चार्ज होगा ये ढूंढा था और

और लाइबिलिटी शीट हम बनाएंगे क्योंकि हम यहीं से इंटरेस्ट कॉस्ट ढूंढते हैं क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे लगाई जाती है ओपनिंग ओपनिंग लाइबिलिटी पे आप इंटरेस्ट कॉस्ट लगाते हो तो आप लाइबिलिटी शीट बना के अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट ढूंढोगे तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए पहले करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढते हैं फिर लाइबिलिटी शीट बना लेंगे ताकि आप उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट ढूंढ सको ओपनिंग लाइबिलिटी ढूंढ सको और ओपनिंग लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज कर सको तो लेट्स फाइन करंट सर्विस कॉस्ट कितनी होगी अगर आप सोल्यूशन में देखोगे यहाँ पे पहले मैंने रफ में चीजें दिखा रखी है ये सारा रफ है हमारा फेयर सोल्यूशन यहाँ से शुरू होगा जो आई वाला सोल्यूशन है वो ये है यहाँ पे मैंने रफ में कैलकुलेशन दिखा रखी है तो ये टाइमलाइन पे मैंने पांचों सालों की करंट सर्विस कॉस्ट दिखा रखी है कैसे निकलेगी पर जब हमने शांति वाला एग्जांपल किया था तो हर साल को ब्रेक करके समझा था तो यहाँ पे भी एक बार ब्रेक करके समझ लेते हैं रफ में एक बार ब्रेक कर करके समझ लेते हैं कि करंट सर्विस कॉस्ट कैसे निकलेगी जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव हम कहाँ खड़े हैं हम खड़े हैं ईयर वन के एंड पे हम यहाँ पे खड़े होकर करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढेंगे शांति ने सॉरी रोशन ने रोशन ने सर्विसेज रेंड किए इस पीरियड के दौरान हम खड़े हैं ईयर वन के एंड पे और हमें करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढनी है ईयर वन के लिए तो हम क्या बोलेंगे कि ईयर वन की सर्विसेज के लिए देना क्या है करंट ईयर की सर्विस की कॉस्ट क्या है करंट ईयर इज ईयर वन करंट ईयर की सर्विस की कॉस्ट है छह लाख रूपये छह लाख रूपये आप दोगे ईयर वन की सर्विस के लिए हर साल के लिए छह लाख देना है तो पहले साल के लिए भी छह लाख देना है पर देना कब है फिफ्थ ईयर के एंड में यहाँ पे जाके आपने छह लाख रुपए देना है सो दिस छह लाख इज फ्यूचर वैल्यू वेन टाइम इज फोर ईयर ये फोर ईयर कैसे आ रहा है अगर आप काउंट करोगे हम यहाँ पे खड़े हैं ईयर वन के एंड से ईयर का एंड कितना दूर है एक साल दो साल तीन साल चार साल ईयर का एंड चार साल दूर है इसलिए टाइम हो गया इयर्स अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि जब हमने सैलरी इंक्रीमेंट लिया था वो तो हमने पांच साल कंसिडर करके लिया था यहाँ पे तो आपने बोला था टाइम फाइव ईयर लो पर अब ईयर वन की करंट सर्विस कॉस्ट में आप चार साल का टाइम क्यों ले रहे हो क्योंकि फर्क है जब हमने सैलरी इंक्रीमेंट की बात की थी तो हमने बोला था जीरो पीरियड पे सैलरी बता रखी है जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे सैलरी बता रखी है और पांच बार इसको ग्रो करना पड़ेगा तब जाके हम ईयर फाइव एंड की सैलरी पे पहुंचेंगे पर जब हम करंट सर्विस कॉस्ट की बात करें हम ईयर वन एंड पे खड़े होकर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो चार साल बाद है चार साल दूर है फिफ्थ ईयर का एंड ये पेमेंट चार साल बाद होनी है तो हम इसकी आज की वैल्यू ढूंढ रहे हैं इसलिए टी होगा फोर इयर्स ये पहली इंपॉर्टेंट बात है दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रेट क्या होगा क्या रेट दस परसेंट होगा या रेट आठ परसेंट होगा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत क्रिटिकल है एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आपको बता रखा है सैलरी का इंक्रीमेंट जो है

प्लस रेट टू टू दी दी टाइम फोर तो करंट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी ऐसे करके पहले साल की पहले साल की करंट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी तो so, अपनी टाइमलाइन को अगर रेफर करें दिस इज माई टाइमलाइन तो मैंने ईयर वन की करंट सर्विस कॉस्ट कैसे दिखा रखी है ईयर वन के एंड पे आप करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रहे हो कि छह लाख रुपए जो है वो चार साल बाद पेएबल है तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई सिक्स लाख इक्वल टू पी वी वन पॉइंट जीरो और आपने प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ ली फोर लैख फोर्टी वन थाउजेंड अब बात करते हैं ईयर टू के एंड में जब आप पहुंचोगे तो आप बोलोगे ईयर टू की करंट सर्विस कॉस्ट कितनी होगी इसको भी टाइम लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है एक सेकेंड ये थोड़ा सा रब कर देते हैं राइट right, हमें क्या करना है ईयर टू में रोशन ने सर्विसेज रेंड किया मतलब इस पीरियड के दौरान दिस इज माय ईयर टू और हम कहाँ खड़े होकरउंटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे खड़े होकर करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रहे हैं फॉर ईयर टू क्योंकि ईयर टू इज माय करंट ईयर करंट ईयर के बदले में क्या देना है छह लाख रुपए देना है हर साल की सर्विस के लिए छः लाख देना है करंट ईयर के लिए भी छः लाख देना है यानी कि ईयर टू के लिए छह लाख देना है ईयर फाइव के एंड में यहाँ पे आपने छः लाख रुपए देना है ईयर टू की सर्विसेज के लिए सो वट इज दिस छः लाख छः लाख इज माई फ्यूचर वैल्यू टाइम कितना है ये टाइम कितना दूर है आज से कितने साल बाद आपने ये पेमेंट करनी है एक साल दो साल तीन साल आज से तीन साल बाद आपने ये पेमेंट करनी है व्हेन रेट इज आठ परसेंट तो क्या आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हैं हमने सीख ही रखा है तो वापस आते हैं ईयर टू के एंड में करंट सर्विस कॉस्ट कितनी होनी चाहिए छह लाख तीन साल बाद पेबल है तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी सिक्स लाख इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन पॉइंट जीरो एट टू दी पार्ट थ्री और आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो ये हो गई ईयर टू के एंड में ये हो गई ईयर टू की करंट सर्विस कॉस्ट दिस इज करंट सर्विस कॉस्ट फॉर ईयर वन दिस इज करंट सर्विस कॉस्ट फॉर ईयर टू अब बात करते हैं ईयर थ्री की करंट सर्विस कॉस्ट कितनी होगी व्हाट विल बी माय करंट सर्विस कॉस्ट फॉर ईयर थ्री तो टाइमलाइन पे वापस आओ जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव अगर हम ईयर थ्री के एंड पे खड़े हैं यहाँ पे रोशन ने सर्विसेज रेंडर की हम यहाँ पे खड़े होकर करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रहे हैं फॉर ईयर थ्री क्योंकि ना ईयर थ्री इज़ माई करंट ईयर करंट ईयर के बदले में क्या देना है सिक्स लाख रुपीज़ देना है फॉर ईयर थ्री हर साल के लिए सिक्स लाख रुपीज़ देना है ये सिक्स लाख रुपीज़ देना कब है आज से कितने साल बाद मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ईयर थ्री के एंड में ये कितने टाइम बाद देना है One, two. Year five का एंड कितना दूर है? दो साल दूर है तो if time is two years and rate is 8%, तो क्या आप दिस इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू आज से दो साल बाद छह लाख रुपए देना है तो आज की वैल्यू कितनी ठीक है ना तो हम वापस आएंगे ईयर थ्री की करंट सर्विस कॉस्ट देखेंगे तो दिस इज करंट सर्विस कॉस्ट फॉर ईयर थ्री ये येलो वाला बलून हमारा करंट सर्विस कॉस्ट फॉर ईयर थ्री है ज पेबल टू ईयर्स लेटर प्रेजेंट वैल्यू टूडे आगे आप फॉर्मुला में डालोगे और आ जाएगी अब करंट सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं फॉर इयर फोर तो ये जो रेड वाला बलून है दिस इज करंट सर्विस कॉस्ट फॉर ईयर फोर ईयर फोर की सर्विसेज के लिए करंट सर्विस कॉस्ट कितनी है लेप्सी टाइमलाइन पे एनालाइज करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव इयर फोर की सर्विसेज रेंड की रोशन है इस पीरियड में दिस इज माई ईयर फोर ईयर फोर के एंड पे खड़े होकर मैं करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रही हूँ फॉर ईयर फोर क्योंकि ईयर फोर इज माई करंट ईयर करंट ईयर की सर्विसेज के बदले में देना क्या है ईयर फाइव के एंड में सिक्स लाख ,00 रुपीज देने फॉर ईयर फोर हर साल की सर्विसेज के लिए छह लाख रुपए देने हैं तो दिस सिक्स लाख इज फ्यूचर वैल्यू कितने साल बाद आज से एक साल बाद ईयर फाइव का एंड कितने साल बाद होगा ईयर फोर के एंड से एक साल बाद होगा ना मैं यहां खड़ी हुई ये पेमेंट एक साल बाद होनी है फ्यूचर वैल्यू इज सिक्स लाख टाइम इज वन ईयर रेट इज आठ परसेंट तो प्रेजेंट वैल्यू आप ढूंढ सकते हो तो वापस आओ अपने बलून पे सिक्स लाख इज पेबल वन ईयर लेटर तो आज की वैल्यू कितनी है सिक्स लाख इक्वल टू पी वी इंटू वन पॉइंट जीरो एट रेस्टी पर वन तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी अब बात कर लेते हैं ईयर फाइव की करंट सर्विस कॉस्ट कितनी होगी ये जो बलून है वो करंट सर्विस कॉस्ट फॉर ईयर फाइव दिखा रहा है तो ईयर फाइव की करंट सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव हम फिफ्थ ईयर की सर्विसेज की बात करें तो इस पीरियड में रोशन ने सर्विसेज रेंडर किए दिस इज ईयर फाइव और मैं ईयर फाइव के एंड पे खड़े होकर करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रही हूँ फॉर ईयर फाइव ईयर फाइव की सर्विसेज के लिए करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढनी है ईयर फाइव में जो रोशन ने सर्विसेज दिए हैं उसकी करंट सर्विस कॉस्ट कितनी है ईयर फाइव की सर्विसेज के बदले में हम देंगे छह लाख रुपए फॉर ईयर फाइव सर्विसेज पर कब देंगे ईयर फाइव के एंड में ही देंगे यानी कि आज ही देंगे आज ही आप ईयर फाइव का खर्चा भी बुक करोगे और आज ही पेमेंट भी हो जाएगी तो इसका मतलब इफ सिक्स लैक्स इज माई फ्यूचर वैल्यू टाइम इज इयर्स क्योंकि आज ही पेमेंट हो जाएगी एंड रेट इज एट परसेंट सो वट इज माई प्रेजेंट वैल्यू ऐसे केस में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू बराबर हो जाते हैं तो अपने बलून पे वापस आओ सिक्स लाख इज पेबल टू डे फिफ्थ ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी तो सिक्स लाख इक्वल टू पीवी वी इंटू वन पॉइंट जीरो ब्रैकेट वन हो जाएगा तो पीवी आ जाएगी सिक्स लाख की ठीक है तो अब ये सारा ना रफ था ये सारा बेस बिल्डिंग था अब हम आते हैं फेयर पे तो आपको अपना सोल्यूशन कैसे दिखाना है आप सबसे पहले डीबीओ की कैलकुलेशन दिखाओगे कि लास्ट ड्राउन सैलरी कितनी है इन्होंने लास्ट ड्राउन सैलरी हर साल के 10 -10 की ग्रोथ ऐसे करके मल्टीप्लाई करके दिखाई है इंटू वन वन जीरो इंटू वन वन जीरो, वन जीरो हमने डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मुला लगाया था और फॉर्मुला हमें कहीं मेंशन नहीं करना आप भी सीधा कैलकुलेशन दिखाओ अपनी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कैसे निकला चौबीस लाख इंटू पच्चीस परसेंट इंटू पांच उसके बाद आप बोल रहे हो कि सिक्स लाख जो है वो चार्ज कर

इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी उसके लिए आप बनाओगे लाइबिलिटी शीट क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट निकलती है ओपनिंग लाइबिलिटी पे तो उसके लिए मुझे हर साल की क्लोजिंग चाहिए होगी जो अगले साल की ओपनिंग बनेगी फिर ओपनिंग पे आप इंटरेस्ट कॉस्ट निकालोगे तो ये हमें कैसे पता चलता है लाइबिलिटी शीट से लाइबिलिटी शीट बोल दो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बोल दो एक ही बात है तो तो हम 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 बनाएंगे बनाएंगे? तो ये दो टेबल्स हमें बनाने Current service cost का टेबल हम कैसे बनाएंगे? अभी तक हमने जो किया पे बना-बना के के देख रहे थे कि ओके अगर हम first year end में खड़े हैं तो फिफ्थ ईयर का एंड कितना दूर है चार साल दूर है टाइम फोर इयर्स हो गया रेट आठ परसेंट हो गया फ्यूचर वैल्यू छह लाख है तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी तो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मला में डाल के देखा सारी चीजें एक एक बार टाइम पे बिल्ड करके देखी ये सब था रफ वर्क ये सब था चीजों को आपको क्लियर क्लियर करना क्रिस्टल क्लियर करना कि कैसे चीजें फ्लो कर रही है ठीक है ये हमने बेबी स्टेप्स लेके ये सारी चीजें सीख ली अब चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड पे कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे तो एग्जाम में हम ये टेबल बनाएंगे टेबल में हम क्या बोलेंगे कि ईयर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव हमने ईयर्स लिख दिए फिर हमने बोला हर साल की सर्विसेज के लिए क्या देना है तीस लाख डिवाइडेड बाय फाइव यानी कि छह लाख रुपए देने हर साल की सर्विसेज के लिए अब ये सब फ्यूचर वैल्यूज हैं है ना तो इसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यूज जा आ जा जाएंगे पीवी फैक्टर क्या होता है हम बहुत डिटेल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि पीवी फैक्टर को अगर आप फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगे ठीक है तो हम पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हमारा ये टेबल रैप हो जाएगा अब इस क्वेश्चन में पीवी फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है पर उनको यूज करने से पहले हम ये सीखेंगे कि हम खुद से कैसे पीवी फैक्टर निकाल सकते हैं फिर क्वेश्चन वाले पीवी फैक्टर्स को कैसे उठाना है उस पर बात करेंगे सो देखो आप कैसे करोगे इसको टाइमलाइन नहीं बनाएंगे सब कुछ ओरली मेंटली हमें करना है तो हम बोलेंगे हम फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हैं पहले साल की करंट सर्विस कॉस्ट आप कहाँ निकालते हो फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े होकर निकालते हो ना तो आप बोलोगे हम खड़े हैं फर्स्ट ईयर के एंड में फर्स्ट ईयर की सर्विसेज के लिए देना क्या है सिक्स लाख रुपीज तो ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है पर ये देना कब है फिफ्थ ईयर के एंड में इसीलिए ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है अब फर्स्ट ईयर का एंड और फिफ्थ ईयर के एंड में कितने साल का गैप है एक दो तीन चार चार साल का गैप है फर्स्ट ईयर का एंड फिफ्थ ईयर के एंड से कितना दूर है चार साल दूर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी फ्यूचर वैल्यू सिक्स लाख है टाइम फोर ईयर्स का है रेट आठ परसेंट का है तो क्या मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकती हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है वन डिवाइडेड बाई वन प्लस रेट टू दी पार्ट टाइम ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है तो अगर मैंने फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी पर पहले मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अलग से ढूंढना है और अपने टेबल में प्लेस करना है तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा फॉर ईयर नंबर वन तो इसको कैलकुलेट करके देखो 1.08 लिखा आपने कैलकुलेटर पे डिवाइडेड प्रेस किया अब इक्वल टू प्रेस करो चार बार एक दो तीन चार तो यार है यारीरो

और ये सिक्स लाख कब देना है फिफ्थ ईयर के एंड में सेकेंड ईयर के एंड और फिफ्थ ईयर के एंड में कितने साल का गैप है एक दो तीन तीन साल का गैप है यानी कि अगर फ्यूचर वैल्यू सेकेंड ईयर के लिए कैसे करेंगे हम बोलेंगे अगर फ्यूचर वैल्यू मेरी सिक्स लाख ,00 है टाइम है थ्री इयर्स का रेट है आठ परसेंट तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दो पहले तो कैसे निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलता है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस रेट रेस टू दी पार्ट टाइम टाइम इज थ्री इयर्स तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा कैसे वन पॉइंट जीरो एट में लिखूंगी कैलकुलेटर पर डिवाइडेड का बटन प्रेस करूंगी इक्वल टू प्रेस करूंगी तीन बार एक दो तीन तो यार है पॉइंट सेवन नाइन थ्री एट मुझे थ्री डिजिट्स तक राउंड ऑफ करके लेना तो मैं ले लूंगी पॉइंट सेवन नाइन फोर तो मेरा पीवी फैक्टर आ गया पॉइंट सेवन नाइन फोर सेकंड ईयर के लिए अब सिक्स लाख ,00 को आपने मल्टीप्लाई किया पॉइंट सेवन नाइन फोर से तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई फोर सेवेंटी सिक्स फोर हंड्रेड अब थर्ड ईयर के लिए देखते हैं थर्ड ईयर के लिए आप क्या बोलोगे मैं थर्ड ईयर के एंड पे खड़ी हूँ थर्ड ईयर की सर्विसेज के लिए सिक्स लाख रुपीज देना क्योंकि थर्ड ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट आप थर्ड ईयर के एंड पे खड़े होकर देख रहे हो तो आप बोलोगे थर्ड ईयर की सर्विसेज के लिए सिक्स लाख देना है पर देना कब है फिफ्थ ईयर के एंड में यानी कि दो साल बाद टाइम कितना है दो साल का दो साल का गैप है थर्ड ईयर के एंड फिफ्थ ईयर के एंड में दो साल का गैप है तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे इसको भी सेपरेटली देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू आपकी सिक्स लाख है अब हम थर्ड ईयर के लिए करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रहे हैं टाइम है टू ईयर का रेट है आठ परसेंट तो पहले तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बता दो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस रेट टू दी पार्ट टाइम ये मेरा पी फैक्टर आ गया यानी कि वन पॉइंट जीरो पॉइंट एट फाइव सेवन थ्री

फोर्थ ईयर का एंड और फिफ्थ ईयर के एंड में कितना गैप है एक साल का गैप है ठीक है तो इसका पी फैक्टर कैसे निकलेगा हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू है सिक्स लाख रुपीज टाइम है वन ईयर का रेट है आठ परसेंट तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलेगा वन डिवाइडेड बाय प्लस पॉइंट जीरो कैलकुलेट कर लो वन पॉइंट जीरो करोगे तो पॉइंट नाइन टू सिक्स बनेगा तो मैं यहाँ पे पी फैक्टर प्लेस कर दूंगी पॉइंट नाइन टू सिक्स तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सिक्स लाख इंटू पॉइंट नाइन टू सिक्स आपके पास पीवी आ जाएगी फाइव 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 सिक्स हंड्रेड ठीक है अब लास्ट ईयर का कैसे करेंगे हम बोलेंगे फिफ्थ ईयर के एंड में खड़े हैं फिफ्थ ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रहे हैं फिफ्थ ईयर के एंड पे खड़े हैं कितना देना है फिफ्थ ईयर की सर्विसेज के लिए फिफ्थ ईयर की सर्विसेज के लिए छः लाख रुपए देना है और एक कब देना है आज ही देना है फिफ्थ ईयर के एंड पे ही दे देना है तो आप बोलोगे कि फ्यूचर वैल्यू मेरी है छः लाख रुपए फ्यूचर वैल्यू छे लाख रुपए टाइम है जीरो क्योंकि आज ही दे, दे देना है फिफ्थ ईयर के एंड पे खड़े हो गई फिफ्थ ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रही हूँ और पेमेंट भी आज ही हो जाएगी रेट है आठ परसेंट का तो पी फैक्टर कितना हो गया वन डिवाइडेड बाय वन प्लस पॉइंट जीरो एट रेस टू दी पार जीरो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या निकलेगा ये वन आ जाएगा आपका पीयू फैक्टर वन हो जाएगा लास्ट ईयर के लिए आप पी फैक्टर यहाँ पे प्लेस कर दोगे वन वन मेरा पीयू फैक्टर आ गया सिक्स लाख इंटू वन किया तो सिक्स लाख की मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई यानी कि करंट सर्विस कॉस्ट फॉर ईयर फाइव सो इस तरह से हम सारी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेंगे कैसे किया क्विक रिक लेते हैं आपने पांचों साल यहाँ पे लिख दिए वन टू थ्री फोर फाइव आपने बोल दिया हर साल की सर्विस के लिए छे छः लाख रुपए देने अब ये फ्यूचर वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से तो आपकी प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी यानी कि करंट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे ढूंढते हैं एक साल का डिस्कस कर लेते हैं अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़ी हूँ फर्स्ट ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रही हूँ तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ी हूँ तो मैं बोलूंगी फिफ्थ ईयर का एंड कितना दूर है चार साल दूर है तो टाइम इज फोर इयर्स रेट इज एट परसेंट फ्यूचर वैल्यू इज सिक्स लाख तो सिक्स लाख को पी फैक्टर -E से मल्टीप्लाई करो पी फैक्टर -E कैसे निकलता है डिवाइडेड डिवाइडेड प्लस रेट टू टू टाइम हो जाएगा इस केस में मेरा पीयू फैक्टर थ्री डिजिट्स तक राउंड ऑफ करो पी फैक्टर -E आ जाएगा और आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी ऐसे ही आप हर साल के लिए करोगे सेकंड ईयर के एंड पे जब खड़े होगे तो टी आपका थ्री ईयर हो जाएगा थर्ड ईयर के एंड पे खड़े होगे तो टी आपका टू ईय हो जाएगा फोर्थ ईयर के एंड में खड़े होगे तो टी वन ईयर हो जाएगा फिफ्थ ईयर के एंड में खड़े हो गए तो टी जीरो हो जाएगा और रेट आपका आठ परसेंट ही रहेगा पी फैक्टर्स तो आपको पता है ये वन डिवाइड बाई वन प्लस रेट होती है टाइम होता है ऐसे करके आप सारे पी फैक्टर्स निकाल सकते हो अब इस क्वेश्चन में पी फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है तो पहली बात तो जब भी पी फैक्टर्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं आपको वही उठाने होते हैं आपको खुद से नहीं लगाने होते ठीक है ना तो आपको पी फैक्टर क्वेश्चन वाले ही उठाने हैं पर अब उठाएंगे कैसे तो एक चीज तो हमें बहुत क्लियर है जो लास्ट ईयर होता है इस केस में फिफ्थ ईयर फिफ्थ ईयर इज माई लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर होता है उसका पी फैक्टर होता है वन क्योंकि उसी सा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी कि फिफ्थ ईयर के एंड पे ही हम करंट सर्विस कॉस्ट भी ढूंढ रहे हैं फिफ्थ ईयर की और वहीं पे पेमेंट भी हो जानी है, -E है, है इसलिए टाइम जीरो इयर्स हो जाता है और पी फैक्टर हो जाता है वन टाइम जीरो इयर्स हो जाता है इसलिए पी फैक्टर क्या हो जाता है वन क्योंकि पी फैक्टर -E का फॉर्मुला होता है डिवाइडेड बाय रेट टू टाइम टाइम जीरो हो गया तो पी फैक्टर -E हो गया वन तो लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर होता है वन अब चलो क्वेश्चन के पी फैक्टर्स -E पे आपको पी फैक्टर्स -E बता रखे पॉइंट सेवन थ्री फाइव पॉइंट सेवन नाइन फोर पॉइंट एट फाइव सेवन पॉइंट नाइन टू सिक्स एंड वन वन कहाँ प्लेस कर देंगे वन हम ईयर फाइव के सामने प्लेस कर देंगे अब इस ऑर्डर में चलना शुरू करो ये पॉइंट नाइन टू सिक्स आप ईयर फोर के सामने प्लेस करो पॉइंट एट फाइव सेवन आप ईयर थ्री के सामने प्लेस करो पॉइंट सेवन नाइन फोर आप ईयर टू के सामने प्लेस करो और पॉइंट सेवन थ्री फाइव ईयर वन के सामने प्लेस करो क्योंकि एक ऑर्डर में ही गिवन होंगे वो आपको जम्बल्ड नहीं दिए होंगे आपको एक ऑर्डर में ही गिवन होंगे तो आप एक स्टार्टिंग पॉइंट फिगर आउट कर लो कि वन मुझे कहाँ प्लेस करना है वन मुझे ईयर फाइव के सामने प्लेस करना है तो ऐसे करके अब आप, आप इस ऑर्डर में चलोगे ठीक है ना तो अगर हम प्लेस करेंगे तो यही प्लेस होगी वैल्यूज आपने one place कर दिया के सामने प्लेस हो गया और पॉइंट सेवन थ्री फाइव ईयर वन के सामने प्लेस हो गया तो हमने कुछ नहीं किया हमने बोला वन को लास्ट ईयर के सामने प्लेस कर दो और फिर उल्टे ऑर्डर में सारे पी फैक्टर्स को प्लेस कर दो नीचे से चलते जाओ और सारे पी फैक्टर्स को प्लेस कर दो पी फैक्टर्स अगर आपके प्लेस हो गए तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी पर अगर आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो क्या करना है आप क्या करो आप सोचो अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे देख रहा हूँ फर्स्ट ईयर के एंड पे मैं करंट सर्विस कॉस्ट निकालूंगा फॉर ईयर वन ईयर वन की सर्विसेज के लिए ये पेमेंट कब होनी है छह लाख रुपए की पेमेंट कम होनी है ईयर वन की छह लाख रुपए की पेमेंट होनी है ईयर फाइव के एंड में यानी कि इन दोनों के बीच में चार साल का गैप है ईयर वन के एंड और ईयर फाइव के एंड में चार साल का गैप है तो इफ टाइम इज फोर रेट इज एट परसेंट सो माय पी फैक्टर बिकम्स वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो कैलकुलेट कर लो रफ में वन पॉइंट जीरो थ्री फाइव तो आपको पता चल गया पहले साल का पी फैक्टर पॉइंट सेवन थ्री फाइव है बस आप यहाँ से डायरेक्टली उठा लो पॉइंट सेवन थ्री फाइव पॉइंट सेवन नाइन फोर पॉइंट एट फाइव सेवन पॉइंट नाइन टू सिक्स वन तो आप सीधे ऑर्डर में सारे पी फैक्टर्स अपने आंसर में प्लेस कर दो तो दोनों तरीके से कर सकते हैं या तो आप पहले वन प्लेस करो और उल्टे ऑर्डर्स में चलते जाओ या फिर आप पहले रफ में कैलकुलेट कर लो पहले साल का पी फैक्टर क्या है आपको पता चल जाएगा पॉइंट सेवन थ्री फाइव है फिर आप नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते चले जाओ सारे पी फैक्टर्स वन टू थ्री फोर करेक्ट ऑर्डर में अपने पी फैक्टर्स प्लेस कर दोगे कोई दिक्कत नहीं ये जब खत्म हो जाएगा तो आप बनाओगे अपनी लाइबिलिटी शीट ताकि हम इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल के दिखा सकें तो हम क्या बोलेंगे हमने जब लाइबिलिटी शीट बनानी सीखी थी तो हमने ईयर को कॉलम्स में लिखा था और रोज में हमने लिखा था ओपनिंग डीबीओ प्लस करंट सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट क्लोजिंग डीबीओ इन्होंने Transpose में लिखा है कोई दिक्कत नहीं है इन्होंने कॉलम्स में लिखा है ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट कॉस्ट करेंट सर्विस कॉस्ट और क्लोजिंग बैलेंस और रोज में उन्होंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 years. तो आप ही ऐसे कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने यहाँ पे इज मशन कर दिया वन टू थ्री फोर फाइव कॉलम्स में आपने मेंशन कर दिया ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट कॉस्ट करंट सर्विस कॉस्ट एंड क्लोजिंग बैलेंस और इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकलता है ओपनिंग डीबीओ का आठ परसेंट क्योंकि आठ परसेंट का हम रेट यूज करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट में भी दस परसेंट का कोई काम नहीं है मैंने पहले ही बोलता था वो सिर्फ सैलरी के लिए था उसको भूल जाओ इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी आठ परसेंट के हिसाब से तो अब आप कैसे बनाओगे अपनी लाइबिलिटी शीट पहले साल के बिगनिंग में ओपनिंग बैलेंस कितना होगा जीरो क्योंकि रोशन को हायर कहाँ किया पहले साल के बिगनिंग में ही तो हायर किया है पहले साल के एंड में जाके हम पहली बार लाइब्रेटी अप्रूव करेंगे ना पहले साल के बिगनिंग में तो कोई लाइब्रिटी नहीं होगी तो यहाँ पे ओपनिंग लाइब्रेटी होगी जीरो जीरो का आठ परसेंट जीरो पहले साल में इंटरेस्ट कॉस्ट होती नहीं है तो जीरो हो गई मेरे इंटरेस्ट कॉस्ट उसके बाद आप करंट सर्विस कॉस्ट का कॉलम एक साथ फिल कर लो यहाँ से पिछले टेबल में से सारी फिगर्स उठा के आप पूरा कॉलम फिल कर लो करंट सर्विस कॉस्ट का एक साथ ही ठीक है करंट सर्विस कॉस्ट आपका फिल हो गया 4, 41, पिछले टेबल में से अब क्लोजिंग बैलेंस निकालो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस करंट सर्विस कॉस्ट तो आ जाएगा फोर लैख फोर्टी वन थाउजेंड अब ईयर वन का क्लोजिंग बैलेंस ईयर टू का ओपनिंग बनेगा अब ओपनिंग बैलेंस आ गया है ईयर टू में तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी आ जाएगी फोर लैख फोर्टी वन थाउजेंड का आठ परसेंट थर्टी फाइव टू एटी करंट सर्विस कॉस्ट तो पिछले टेबल में से आ गई फोर सेवन सिक्स फोर हंड्रेड तो आपका क्लोजिंग डिब्यू आ नाइन फाइव टू सिक्स एट जीरो कैसे निकला है ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस करंट सर्विस कॉस्ट अब ईयर टू के एंड का जो बैलेंस है वो ईयर थ्री का ओपनिंग बनेगा नाइन फाइव टू सिक्स एट जीरो इसका आठ परसेंट करोगे तो आएगा सेवेंटी सिक्स टू वन फोर ये आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी अब उसके बाद आप करंट सर्विस कॉस्ट पिछले टेबल में से ऑलरेडी यहां पे लिख चुके होंगे फाइव वन फोर टू जीरो जीरो टू डबल जीरो और यहाँ पे आपकी क्लोजिंग डिब्यू आ जाएगी फिफ्टीन फोर्टी थ्री जीरो फोर अब ये फिफ्टीन फोर्टी थ्री जीरो नाइन फोर कहाँ चला

हम ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू वन फोर्टी वन पे आठ परसेंट निकाल के इंटरेस्ट कॉस्ट खुद से नहीं निकालेंगे लास्ट ईयर की बात हो रही है ये सिर्फ बाकी सालों में तो आप यही करोगे ओपनिंग डीबीओ को आठ परसेंट से मल्टीप्लाई करोगे इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी पर लास्ट ईयर में आपको ऐसा नहीं करना लास्ट ईयर में आप क्या करोगे ओपनिंग डीबीओ आएगा पिछले साल से ईयर फोर का क्लोजिंग डिब्यू आपका ईयर फाइव का ओपनिंग बनेगा करंट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी टेबल नंबर वन से सिक्स लाख रुपीज की और क्लोजिंग डिब्यू आप खुद से डाल दोगे क्लोजिंग डिब्यू आप डाल दोगे तीस लाख रुपए क्या हमें पता है क्लोजिंग डिब्यू तीस लाख है बिल्कुल क्योंकि एस्टिमेटेड बेनिफिट पेबल तीस लाख रुपए था रोशन के लिए जो हमने स्टेप सबसे पहले कैलकुलेट किया था स्टेप नंबर वन हम यही कैलकुलेट करते हैं कि टोटल बेनिफिट पेबल कितना है तो हम ईयर फाइव में टोटल बेनिफिट पेबल खुद से डाल देंगे और इंटरेस्ट कॉस्ट को आने देंगे बैलेंसिंग फिगर तो ये वन सेवन सेवन एट फाइव नाइन आएगी मेरी बैलेंसिंग फिगर पर हमने ऐसा क्यों किया हमने इंटरेस्ट कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर क्यों लिया क्योंकि अगर आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या फिगर्स आएंगे मेरा ओपनिंग बैलेंस है इस पे आठ परसेंट निकालोगे तो ये बनेगा वन डबल सेवन डबल सेवन वन इतना मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा इसमें ऐड करो ओपनिंग बैलेंस ट्वेंटी टू ट्वेंटी करंट सर्विस कॉस्ट तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बनेगा ट्वेंटी नाइन 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 वन टू इतना मेरा क्लोजिंग बैलेंस बनेगा यानी कि क्लोजिंग बैलेंस तीस लाख टच नहीं करेगा कुछ राउंड ऑफ फिगर आ जाएगी क्योंकि बहुत सारी अप्रॉक्सिमेशन चल रही थी हमने पी फैक्टर्स को भी राउंड ऑफ करके लिया था तो इसलिए कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट फिगर आएगी एग्जैक्ट तीस लाख नहीं आएगी और अगर हमें एग्जैक्ट तीस लाख चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम तीस लाख को पहले ही प्लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से आ रही होगी सिक्स लाख हमारे पिछले टेबल से आ रही होगी टेबल नंबर वन से और इंटरेस्ट कॉस्ट को हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे कैसे

जो पांच साल एक्सपेक्टेड है कि काम करेगा और पांच साल के एंड पे हमें उसको एक लमसम पेमेंट देना पड़ेगा जिसका फॉर्मुला क्या होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट इंट लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस नंबर ऑफ ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेड है कि वो पांच साल काम करेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इस फॉर्मुला में फिक्स है लास्ट ड्रॉन सैलरी हमें पता नहीं थी तो सबसे पहले हमने वो ढूंढी ताकि हम एस्टिमेटेड डीबीओ ढूंढ सके एस्टिमेटेड बेनिफिट पेएबल ढूंढ सके जो हमारा स्टेप नंबर वन होता है कि सबसे पहले तो ये ढूंढो कि देना क्या है एम्प्लॉय को एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर के पे आपने क्या देना है? तो लास्ट ड्रॉन सैलरी ढूंढने के लिए हमने बोला कि के बिगनिंग सैलरी थी एम्प्लॉई को पांच बार इंक्रीमेंट लग रहा है तो ग्रोथ वाला लगाया और फिफ्थ ईयर के एंड पे फोर्टीन नाइन टू वन जीरो इंटू वन पॉइंट वन रेस्ट टू दी पार फाइव आपको ये सारी कैलकुलशन नहीं दिखानी थी सीधा डायरेक्ट लास्ट ड्रॉन सैलरी कैलकुलेट करके दिखानी थी फोर्टीन नाइनटी टू वन जीरो इंटू वन पॉइंट वन 24 लाख ,00 की उसकी लास्ट राउंड सैलरी आई तो आपने उस फॉर्मुला में प्लेस कर दिया 24 लाख ,00 की पच्चीस इंटू चौबीस लाख इंटू फाइव तीस लाख रुपए का उसका डीबीओ आ गया ये हमारा स्टेप नंबर वन था फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि तीस लाख ,00 पांच साल की सर्विसेज के लिए देना है तो हर साल के लिए छह लाख रुपए देना है तो हर साल के लिए आप बोलोगे कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू ईयर कितना है तीस लाख डिवाइडेड बाय फाइव यानी कि छह लाख रुपए हर साल की सर्विसेज के लिए आप रोशन को दोगे एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर उसके बाद हमसे पूछा हुआ था कि बताओ करंट सर्विस कॉस्ट कितनी होगी और इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होगी तो उसके लिए हम दो अलग अलग टेबल्स बनाएंगे एक करंट सर्विस कॉस्ट निकालने के लिए और एक इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने के लिए करंट सर्विस कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे करंट सर्विस कॉस्ट के लिए हम बोलेंगे कि हर साल के लिए ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फो ईयर फाइव इक्वल अपोर्शन अमाउंट ऑफ डीबीओ कितना छह लाख हर साल की सर्विसेज के लिए छह लाख रुपए देना ये फ्यूचर वैल्यूज हैं इनको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी पीवी फैक्टर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो क्या करेंगे तो खुद से कैलकुलेट करेंगे जो कि कैसे निकलता है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस रेट टू दी पार्ट टाइम फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़े हो रेट तो आठ परसेंट ही रहेगा टाइम हो जाएगा फोर इयर्स तो आपका वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो एट रेस टू दी पार फोर वो आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे थ्री डिजिट्स तक राउंड ऑफ करके फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे पी फैक्टर को तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी सेकंड ईयर के एंड में खड़े हो तो टी थ्री इयर्स हो जाएगा और आपका पी फैक्टर आ जाएगा थर्ड ईयर के एंड में खड़े हो तो आपका टी टू इयर्स हो जाएगा रेट आठ परसेंट है पी फैक्टर निकाल लोगे थ्री डिजिट तक राउंड ऑफ करके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी फोर्थ ईयर के एंड में खड़े हो तो आप बोलोगे वन ईयर का टाइम है रेट है आठ परसेंट पी फैक्टर आ जाएगा पी फैक्टर आप प्लेस करोगे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे फिफ्थ ईयर के एंड में खड़े हो आप बोलोगे कि टाइम है जीरो ईयर क्योंकि आज ही पेमेंट हो जाएगी और आपका रेट आठ परसेंट रहेगा उससे आप पी फैक्टर निकालोगे वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट रेस टू तो द पास जीरो जो कि आएगा वन पी फैक्टर आ जाएगा तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो पर क्वेश्चन में क्योंकि पी फैक्टर्स गिवन थे तो आप उन्हीं को अप्लाई करोगे जब भी क्वेश्चन में पी फैक्टर गिवन होगा आपको वही अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में जाके देखो वन का दिया हुआ है वन आपका लास्ट ईयर का पी फैक्टर -E होता है क्योंकि इस केस में जैसे फिफ्थ ईयर मेरा लास्ट ईयर है लास्ट ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट आप फिफ्थ ईयर के एंड में ही ढूंढ रहे हो गे फिफ्थ ईयर के एंड में आप करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढ रहे हो फिफ्थ ईयर की और उसी दिन पेमेंट भी हो जानी है फिफ्थ ईयर के एंड पे तो इसीलिए लास्ट ईयर का पी फैक्टर -E होता है वन क्योंकि आज ही मैं करंट सर्विस कॉस्ट भी बुक कर रहा हूँ और आज ही मेरी पेमेंट भी हो जाएगी पी फैक्टर वन होगा तो वन को आप फिफ्थ ईयर के सामने प्लेस कर दो और फिर उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू करो जैसे यहां पे आपको गिवन थे पॉइंट सेवन थ्री फाइव सेवन नाइन फोर एट फाइव सेवन नाइन टू सिक्स और वन तो वन आपने ईयर याइव के सामने प्लेस किया नाइन टू सिक्स ने फोर के सामने प्लेस किया एट फाइव सेवन एयर थ्री के सामने प्लेस किया एंड सो ऑन तो आपने इस ऑर्डर में प्लेस किया दूसरा ऑप्शन क्या है अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या करो पहले साल का पी फैक्टर रफ में कैलकुलेट कर लो वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो रेस टू तो दी पार फोर वो आएगा पॉइंट सेवन थ्री फाइव तो फिर आप इस ऑर्डर में डायरेक्टली प्लेस कर दो ईयर वन ईयर यी ईयर फोर ईयर फाइव डायरेक्टली आप अपने पी फैक्टर्स प्लेस कर दो आपके एक बार पी फैक्टर्स प्लेस हो गए तो आपकी प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगे

तो आप ऐसी शीट बनाओगे लाइबिलिटी शीट ईयर लिख दोगे आप वन टू थ्री फोर फाइव ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट कॉस्ट करंट सर्विस कॉस्ट एंड क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ईयर वन के बिगनिंग में तो जीरो होगा इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकलेगा ओपनिंग बैलेंस इंटू आठ परसेंट ईयर ईयन में तो ओपनिंग इंटरेस्ट कॉस्ट भी जीरो ही होता है फिर आप करंट सर्विस कॉस्ट की सारी फिगर्स टेबल नंबर वन से प्लेस कर दोगे एक साथ और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा विच इज ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस करंट सर्विस कॉस्ट ईयर वन के एंड का क्लोजिंग डिब्यू बनेगा अगले साल का ओपनिंग इस ओपनिंग बैलेंस पे आठ परसेंट का इंटरेस्ट कॉस्ट निकालोगे करंट सर्विस कॉस्ट पिछले टेबल से आ जाएगी तो क्लोजिंग डिब्यू आ जाएगा ऐसे ही ईयर थ्री में ईयर टू का क्लोजिंग बनेगा ईयर थ्री का ओपनिंग ओपनिंग पे आठ परसेंट इंटरेस्ट कॉस्ट निकाली करंट सर्विस कॉस्ट पिछले टेबल से आ गई तो क्लोजिंग डिब्यू आ गया ये ईयर थ्री का क्लोजिंग बनेगा ईयर फोर का ओपनिंग ई एफ ओ के ओपनिंग पे आप इंटरेस्ट कॉस्ट निकालोगे आठ परसेंट मल्टीप्लाई करके करंट सर्विस कॉस्ट पिछले टेबल से आगे होगी क्लोजिंग डीबीओ निकलाएगा ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस करंट सर्विस कॉस्ट इज जो क्लोजिंग डीबीओ क्लोजिंग डीबीओ अगले साल का ओपनिंग बनेगा फिफ्थ ईयर में आप इंटरेस्ट कॉस्ट खुद से नहीं निकालते आप उसको बैलेंसिंग फिगर आने देते हो आप क्या करते हो ओपनिंग बैलेंस ईयर फोर के ईयर फोर का क्लोजिंग बैलेंस ईयर फिफ्थ का ओपनिंग बैलेंस आपने पोस्ट कर दिया करंट सर्विस कॉस्ट टेबल नंबर वन से पोस्ट कर दी और क्लोजिंग डिब्यू ईयर फाइव का क्लोजिंग डिब्यू आप खुद लिख दोगे क्योंकि आपको पता है एस्टिमेटेड बेनिफिट पेबल तीस लाख है तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर दो पॉइंट टू रिमेंबर क्या थे कि अगर पी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है तो वही लेने हैं प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट लास्ट ईयर में हमारे केस में फिफ्थ ईयर में आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी खुद से बैलेंसिंग फिगर आने दो सो आई होप ये सारी डिस्कशन आपको समझ में आई है जो हमने किया है इस क्वेश्चन में उस मेथड को बोलते हैं तो, अगर हमें की करनी है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं one, क्या किया? हमने वाली में, था, था, उसको ढूंढने के लिए पहले हमने उसकी लास्ट ड्राउन सैलरी ढूंढी थी जिसके लिए हमने एक एक्चुअल ली थी कि 10 परसेंट से सैलरी ग्रो करेगी और हमने ये सोचा था कि रोशन पांच साल काम करेगा ये भी एक्चुअल एजाम्शन है सैलरी इंक्रीमेंट भी एक्चुअल

फिर हमने एक सेकेंड टेबल बनाया था उसमें हम क्या कर रहे थे ओपनिंग डीबीओ में इंटरेस्ट कॉस्ट करंट सर्विस कॉस्ट ऐड करके क्लोजिंग डीबीओ ढूंढ रहे थे फिर क्लोजिंग डीबीओ अगले साल का ओपनिंग बनता था ओपनिंग लाइबिलिटी आप इंटरेस्ट कॉस्ट ढूंढते थे तो आपने इंटरेस्ट कॉस्ट और पीवी ऑफ डीबीओ एट बैलेंस शीट डेट ढूंढा था टेबल नंबर टू से क्या हमने ये डिस्कशन किया था कि क्लोजिंग डीबीओ इज नथिंग बट पीवी ऑफ डीबीओ एट बैलेंस शीट डेट तो वही बात लिखी है कि हमने पीवी ऑफ डीबीओ ढूंढा बैलेंस शीट डेट पे तो so ये सारे स्टेप्स है जो हमने परफॉर्म किए क्वेश्चन नंबर वन में जो पीयूसीएम मेथड में परफॉर्म होते हैं कि आप टोटल बेनिफिट ढूंढते हो उसको इयर्स ऑफ सर्विस में बांट देते हो करंट सर्विस कॉस्ट ढूंढते हो इंटरेस्ट कॉस्ट ढूंढते हो ऑफ ढूंढते हो। ऑल ऑफ दिस यू अप्लाई और ये सब एक्चुअल के बेस पे हम करते हैं सो so ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड वेरी सुन प्लीज स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बिलो आई बी है